हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुखदेव चौधरी और आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं अपने नीट के इको फिजिक्स का पेपर नंबर 15 आउट ऑफ 16। 15वां पेपर आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। कुल मिलाकर के 16 पेपर आपके होने हैं, यानी इसके बाद में एक पेपर और होगा, ठीक है। और इसके अंदर अपन ने टॉपिक रखा है वेव ऑप्टिक्स एंड सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ध्यान से देखना, देखो बच्चों, पेपर मैंने पूरी तरह से एनसीईआरटी ओरिएंटेड बनाया और नीट ओरिएंटेड पेपर बनाया है। पेपर है उसको न ज़्यादा अपन इजी बोल सकते हैं और नहीं ज़्यादा अपन टफ बोल सकते हैं, यानी पूरी तरह से नीट ओरिएंटेड पेपर है जिसके अंदर आपको थ्योरेटिकल, कंसेप्चुअल हर टाइप के जो क्वेश्चंस है उनका एक शानदार कलेक्शन मिलने वाला है। और इस वीडियो सॉल्यूशन के माध्यम से मेरा प्रयास रहेगा कि जब आप इस वीडियो सॉल्यूशन के एंड में पहुंचे तो आपको ये लगे कि यार वेव ऑप्टिक्स और सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स इसका एक कंप्लीट रिवीजन पैकेज मेरे को मिला है, ठीक है। तो चलिए, कुल मिलाकर ये 90 क्वेश्चंस है, बारी बारी अपन यहाँ पे क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए ध्यान से। फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। इन ए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट 12 फ्रिंजेस आर ऑब्जर्व्ड टू बी फॉर्म्ड इन ए सर्टेन सेगमेंट ऑफ स्क्रीन व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर यूज्ड। इफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज चेंज्ड टू 400 नैनोमीटर, नंबर ऑफ फ्रिंजेस ऑब्जर्व्ड इन द सेम सेगमेंट ऑफ द स्क्रीन इज गिवन बाय। ध्यान से देखना, देखो आपको ऐसे बोला जा रहा है कि सबसे पहले जब आप 600 नैनोमीटर की वेवलेंथ काम में ले रहे हैं तो किसी पर्टिकुलर सेगमेंट में 12 फ्रिंजेस फॉर्म हो रही है, बन रही है। इसके बाद में वेवलेंथ को अगर आप 400 नैनोमीटर कर देते हैं तो कितनी फ्रिंजेज बनेगी? आपको पता है कि फ्रिंज विड्थ क्या होती है, लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। यहाँ पर अपन लेमडा को डिक्रीज करवा रहे हैं और लेमडा डिक्रीज होगा तो फ्रिंज विड्थ भी डिक्रीज होगी, और फ्रिंज विड्थ डिक्रीज होगी तो किसी सर्टेन रीजन के अंदर नंबर ऑफ फ्रिंजेज है वो बढ़ जाएगी, ज़्यादा फ्रिंजेज आ जाएगी, ठीक है ना। तो अपन बोल सकते हैं कि जैसे मान के चलिएगा पहले आपके पास में ये कोई रीजन है, इस रीजन के अंदर इस प्रकार से बड़ी बड़ी फ्रिंजें बन रही है तो नंबर ऑफ फ्रिंजेज है वो क्या हो जाएगी, इस प्रकार से कम हो जाएगी। फिर उसके बाद जैसे मतलब फ्रिंज विड्थ है वो अगर आपने कम कर दी तो इस प्रकार से नंबर ऑफ फ्रिंजेज है वो क्या हो जाएगी, इस प्रकार से बढ़ जाएगी। अब अपन बोल सकते हैं कि जो एक फ्रिंज है उसकी विड्थ कितनी हो जाएगी बताओ, बीटा हो जाएगी, और नंबर ऑफ फ्रिंजेज कितनी हो जाएगी बताओ, एन हो जाएगी। तो यहाँ पर ये वाली जो डिस्टेंस इसको अपन क्या बोल सकते हैं बताओ, एन बीटा। इसको अपन क्या लिख देंगे बताओ, कांस्टेंट लिख देंगे, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, देखो एन बीटा कांस्टेंट तो एन वन बीटा वन इक्वल टू हो जाएगा आपके पास एन टू बीटा टू हो जाएगा। इसके बाद इसको अपन लिख सकते हैं एन वन बीटा वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। इसको अपन बोल देंगे एन टू लेमडा टू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। इसके बाद में डी बाई डी को अपन कैंसिल आउट कर देंगे तो ये अपने पास बन जाएगा एन वन लेमडा वन इक्व टू एन टू लेमडा टू। एन वन अपने को दे रखा है यहाँ पे 12 और लेमडा वन अपने को दे रखा है यहाँ पे 600 इक्व टू एन टू लेमडा टू अपने को दे रखा है कितना, 400 दे रखा है। तो अगर इसको अपन सॉल्व करेंगे तो अपने को प्राप्त हो जाएगा 18 प्राप्त हो जाएगा, यानी कितनी फ्रिंजेज बन जाएगी, 18 फ्रिंजेज बन जाएगी। समझ गए बात आप? चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद में अपन नेक्स्ट देखिएगा, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए बच्चों। इन यंग्स एक्सपेरिमेंट इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द स्क्रीन इज 75% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स अराइविंग एट दिस पॉइंट फ्रॉम द टू स्लिट्स विल बी। तो ध्यान से देखना, देखो बच्चों, इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं तो अपन जानते हैं कि आई नेट, नेट इंटेंसिटी क्या होती है, इसको अपन बोल सकते हैं आई मैक्सिमम कॉस स्क्वायर 5/2। ये फॉर्मूला डेफिनेटली आपको पता होगा। और यहाँ पर जो नेट इंटेंसिटी है ये 75% यानी 3/4 ऑफ आई मैक्सिमम हो जाएगा। तो आई मैक्सिमम का आई मैक्सिमम कैंसिल आउट कर देंगे तो यहाँ से आपके पास बन जाएगा कॉस स्क्वायर 5/2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। दोनों तरफ से रूट कर देंगे तो बन जाएगा अपने पास में कॉस 5/2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। और √3/2 को अपन क्या लिख सकते हैं अभी, cos 30 लिख सकते हैं। तो ये आपके पास हो जाएगा cos 30। तो यहाँ से अपने पास में देवदान से 5/2 30 के बराबर आ जाएगा। तो इसको अपन लिख सकते हैं 5/2 इक्वल्स टू 30 डिग्री आ गया। तो यहाँ से 5 इक्वल्स टू बन जाएगा कितना, 60 डिग्री। तो दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा बच्चों, 60 डिग्री हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे अपना करेक्ट चला जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फिर अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा बच्चों।
क्वेश्चन नंबर थ्री क्या करे, द टू कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ इंटेंसिटी रेशियो 4:1 इंटरफेयर, देन द वैल्यू ऑफ आई मैक्सिमम माइनस आई मिनिमम अपॉन आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम इज। ध्यान से देखना, देखो आपके पास में दो कोहेरेंट वेव्स है, उनकी इंटेंसिटी का रेशियो गिवन है I1 अपॉन I2 इक्वल्स टू 4:1, और इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, तो A1 अपॉन A2 का होल स्क्वायर लिख देंगे इसको अपन, ठीक है। और यहाँ से अपने पास आ जाएगा A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू 2:1। अब देखिएगा ध्यान से देखो, आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम इक्वल्स टू ए मैक्सिमम अपॉन ए मिनिमम का होल स्क्वायर। ए मैक्सिमम क्या होता है बच्चों, A1 प्लस A2, और ए मिनिमम क्या होता है A1 माइनस A2, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा A1 बाई A2 कितना अपने पास है, 2:1 है, तो A1 प्लस A2 को क्या लिख सकते हैं अपन, 2+1 अपॉन 2-1, इसका अपन स्क्वायर कर देंगे। 2+1 कितना देगा 3, 3 का स्क्वायर कितना देगा 9, अपॉन 2-1 कितना देगा 1, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे अपने को क्या पूछा जा रहा है, इसको अपन बोल सकते हैं आई मैक्सिमम माइनस आई मिनिमम अपॉन आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम इक्वल्स टू आई मैक्सिमम माइनस आई मिनिमम 9-1, और इसको अपन बोल सकते हैं 9+1 हो जाएगा, 9-1 कितना देगा 8 अपॉन 10, तो इसको अपन लिख सकते हैं 4/5 लिख सकते हैं, तो आपका यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट, ठीक है। चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन, नेक्स्ट देखिएगा, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, द रेशियो ऑफ रिजोल्विंग पावर्स ऑफ एन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप फॉर टू वेवलेंथ्स λ1 4000 एंगस्ट्रॉम एंड λ2 6000 एंगस्ट्रॉम इच। ध्यान से देखना, देखो अपन जानते हैं कि रिजोल्विंग पावर की बात कर रहे हैं, तो रिजोल्विंग पावर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा होता है, तो यहाँ से सिंपली रिजोल्विंग पावर 1 अपॉन क्या देगा आपके पास रिजोल्विंग पावर 2 इक्वल्स टू क्या देगा λ2 अपॉन λ1, ठीक है, λ2 अपॉन λ1। अब यहाँ पे λ2 कितना देगा आपके पास में 6000, और λ1 कितना देर का आपको बताओ 4000 देर का है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं 3:2, थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट, ठीक है। नीट के अंदर भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ चुका है बच्चों, तो ये फॉर्मूला आपको डायरेक्टली ध्यान में रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फिर अपन, ये NCERT का डायग्राम है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर ए बी इज इंसिडेंट वेव फ्रंट वाइल ए डैश बी डैश इज रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ medium 2। तो medium 2 का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो बच्चों अपने पास में जो medium 1 है वो क्या देगी एयर हो जाएगी, और medium 2 है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको यहाँ पे पूछ रखा है म्यू पूछ रखा है। तो यहाँ पे देखिएगा AA' इक्वल टू कितना देगा 1 यूनिट, और BB' इक्वल टू कितना देगा √3 यूनिट हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस आपको दे रखी है। अब आपको पता है कि इसके अंदर अपन एयर के अंदर स्पीड अपन मान सकते हैं लाइट की कितनी हो जाएगी c हो जाएगी, तो अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे BB' इक्वल टू BB' को अपन क्या बोल सकते हैं बताओ √3, और इसको अपन बोल सकते हैं स्पीड इंटू टाइम। यहाँ पे ये वाली जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है स्पीड इंटू टाइम, तो इसको अपन बोल देंगे AA' इक्वल टू, इसको अपन 1 लिख देंगे, इक्वल टू क्या देगा आपके पास वी इंटू टी हो जाएगा। इसके बाद अपने को यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा आपके पास सी अपॉन वी, और सी बाई वी को अपन क्या बोल सकते हैं म्यू इक्वल्स टू √3/1, इसको अपन बोल सकते हैं √3 बोल सकते हैं। तो यहाँ से अपने पास में डायरेक्टली जो म्यू है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी √3 प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि देखो यहाँ से लेके यहाँ का टाइम और यहाँ से लेके यहाँ का जो टाइम है वो क्या होता है इक्वल होता है। तो टाइम अगर इक्वल हो गया तो यहाँ पे स्पीड अब वो कितनी हो जाएगी सी हो जाएगी, और यहाँ पे स्पीड वी होगी। तो इस वाले डिस्टेंस को अपन लिख सकते हैं सी टी लिख सकते हैं, और इस वाले डिस्टेंस को अपन क्या लिख सकते हैं बताओ वी टी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है,
In interference of two coherent waves, 96% energy is transferred from positions of destructive interference to positions of constructive interference. Ratio of amplitudes of waves is. देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको बताया कि जो interference है, उसके अंदर energy conserve रहती है. जो constructive interference है, वहाँ पे intensity maximum होती है और destructive interference पे intensity minimum होती है. तो हकीकत में होता क्या है? जो energy होती है, वो destructive से constructive पे transfer हो जाती है. यानी यहाँ पे जो एनर्जी कंजर्वेशन है वो ओबे होता है, वोलेट नहीं होता है. तो अपन ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे मान के चलेगा ये अपने पास में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है और ये अपने पास में क्या देगा बताओ, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा. यहाँ पे भी जैसे एवरेज इंटेंसिटी मान लो 100 हो जाएगी और यहाँ पर भी एवरेज कितना हो जाएगा मान के चलेगा 100 हो जाएगा. अब ध्यान से देखना, देखो यहाँ से 96% इंटेंसिटी है वो यहाँ पर चली जाती है 96%. तो इसके पास में रिमेनिंग कितना देगा बताओ, इसके पास में देगा 196 हो जाएगा कंस्ट्रक्टिव पे और इसके पास में कितना देगा बताओ, फाइनली 4 हो जाएगा. कितना देगा 4. तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, आई मैक्सिमम बोल सकते हैं. आई मैक्सिमम हो गया और इसको अपन क्या बोल सकते हैं बताओ, आई मिनिमम बोल सकते हैं. राइट. तो यहां पर अपन देख सकते हैं आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम इक्वल्स टू 196 डिवाइडेड बाई 4. इसको अपन लिख सकते हैं 49/1. अब यहाँ पे आपने को एम्पलीट्यूड्स का रेशियो पूछ रखा है तो इसको अपन बोल सकते हैं आई मैक्सिमम A1 प्लस A2 अपॉन क्या देगा बताओ, A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है. तो यहाँ से अपने पास में आ जाएगा A1 प्लस A2 अपॉन A1 माइनस A2 इक्वल्स टू 7:1 आ जाएगा. यहाँ से आपको एम्पलीट्यूड्स का रेशियो पूछ रखा है तो A1 रेशियो A2 इक्वल टू क्या बन जाएगा बताओ, इसको अपन सोल्व कर सकते हैं 7+1 अपॉन 7-1. आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं तो 7+1 कितना देगा 8 हो जाएगा और 7-1 कितना देगा 6 हो जाएगा. तो ये अपने पास आ जाएगा 4:3. तो 4/3 देखते हैं, 4/3 या 3/4, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट चला जाएगा. ठीक है ना. तो ध्यान से देखना, देखो इसको अपन बोलते हैं ऑर्डर ऑफ इंटरफेरेंस. तो ऑर्डर ऑफ इंटरफेरेंस क्या होता है कि कितनी परसेंट एनर्जी है जो कि डिस्ट्रक्टिव से कंस्ट्रक्टिव पे ट्रांसफर हुई है. ठीक है ना. वो यहां पे अपने को 96% दे रखा है भाई. ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं अपन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है ध्यान से देखना. देखो डॉपलर इफेक्ट इज नॉट यूज इन रडार. रडार के अंदर आपको पता है कि डॉपलर इफेक्ट वो काम में लिया ही जाता है. ईसीजी में डॉपलर इफेक्ट काम में लेते हैं. कैलकुलेट द रोटेशन स्पीड ऑफ सन, बिल्कुल ये भी इसकी एक एप्लीकेशन है. डिटरमाइन द टेम्परेचर ऑफ स्टार. तो ध्यान से देखना, देखो इसके लिए अपन क्या काम में लेते हैं, इसके लिए अपन वीन्स डिस्प्लेसमेंट रूल, जो कि आपने थर्मोडाइनमिक्स के अंदर पढ़ा होगा. ठीक है ना. या इसको अपन बोल सकते हैं हीट ट्रांसफर, जो आपके पास रेडिएशन वाला टॉपिक है उसके अंदर आपने इसको डिस्कस किया होगा. लेमडा एम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, इसकी हेल्प से अपन जो स्टार का टेम्परेचर है वो अपन डिटरमाइन करते हैं. तो किसके अंदर यूजफुल नहीं है, डिटरमाइन द टेम्परेचर ऑफ ए स्टार. तो रडार, ईसीजी और टू कैलकुलेट द रोटेशन स्पीड ऑफ सन, इन सब के अंदर जो डॉपलर इफेक्ट है वो यूजफुल होता है. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है ध्यान से देखना. देखो ये कह रहा है कि अनपोलराइज लाइट ऑफ इंटेंसिटी आई नॉट इज इंसिडेंट ऑन ए पोलराइड. पोलराइड इज रोटेटेड बाई ए कंप्लीट साइकिल. देन देखिए ध्यान से देखना. देखो जैसे मान के चलेगा ये आपके पास में कोई पोलराइड है, ठीक है, और इसके ऊपर अपन क्या करते हैं, इस प्रकार से जो अनपोलराइज लाइट है वो इंसिडेंट करवाते हैं. तो इसकी जो इंटेंसिटी है वो कितनी हो जाएगी अपने पास में, आई नॉट हो जाएगी. ठीक है, आई नॉट हो जाएगी. अब इसकी चाहे एक्सिस है वो किसी भी डायरेक्शन में हो जाए, यहाँ पर आपको इस प्रकार से पोलराइज लाइट है वो प्राप्त होने वाली है और इसकी जो इंटेंसिटी है वो अपने को कितनी प्राप्त हो जाएगी बताओ, आई नॉट बाई 2. यानी अनपोलराइज लाइट अगर अपन किसी भी पोलराइड पे इंसिडेंट करवाते हैं तो 50% इंटेंसिटी रुक जाएगी और 50% इंटेंसिटी है वो इसमें से पास कर पाएगी. ठीक है ना. तो फिर उसके बाद आंसर हो जाएगा अपना आई नॉट बाई 2. तो कांस्टेंट रहेगा तो अपन बोल सकते हैं इंटेंसिटी रिमेंस कांस्टेंट. समझ गए बात आप,
इंटेंसिटी कॉन्स्टेंट रहेगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फिर अपन। नेक्स्ट देखिएगा क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि पोलराइजिंग एंगल इज मिनिमम फॉर विच कलर। देखिए पोलराइजिंग एंगल की अपन बात करते हैं तो एक फॉर्मूला होता है जिसको अपन बोल सकते हैं बूस्टर रूल बोलते हैं। टेन आई पी कुछ तो क्या होता है, म्यू होता है। तो अगर अपन बात करते हैं विबग्योर की, वी आई बी जी वाई ओ आर, वी से लेके आर तक आपका जो लेमडा वो क्या होता है, इंक्रीज होता है, और म्यू है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। कोची फॉर्मूला आप जानते हो, उसकी हेल्प से अपन बता सकते हैं कि लेमडा अगर इंक्रीज होगा तो म्यू डिक्रीज होगा, और म्यू अगर डिक्रीज हो जाएगा तो आपका जो आई पी है वो भी क्या देगा बताओ, डिक्रीज हो जाएगा। और आई पी डिक्रीज हो जाएगा इसका मतलब आई पी इसके लिए क्या हो जाएगा बताओ, मैक्सिमम हो जाएगा वॉयलेट के लिए। और जो रेड है उसके लिए जो पोलराइजिंग एंगल है उसको अपन क्या बोल सकते हैं बताओ, मिनिमम बोल सकते हैं। तो आपको बोला जा रहा है मिनिमम फॉर विच कलर, तो मिनिमम किसके लिए हो जाएगा बताओ, रेड के लिए। तो आपका फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट चला जाएगा। ओके चलिए आगे डिस्कस करते हैं फिर अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है कि अनपोलराइज लाइट ऑफ इंटेंसिटी 32 वॉट पर मीटर स्क्वायर इज इंसिडेंट ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री पोलराइड्स। द फर्स्ट एंड लास्ट पोलराइड्स आर क्रॉस्ड इफ द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट ट्रांसमिटेड थ्रू द कॉम्बिनेशन बी 3 वॉट पर मीटर स्क्वायर देन द एंगल बिटवीन द ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ द फर्स्ट टू पोलराइड्स। ध्यान से देखना, देखो अपने पास इस प्रकार से ये कोई पोलराइड है, ये कोई पोलराइड है, और ये अपने पास कोई पोलराइड है। इसके बाद ये और ये दोनों एक दूसरे के क्रॉस्ड हो जाएंगे। इसको अपन बोलेंगे 1, इसको अपन बोलेंगे 2, इसको अपन बोलेंगे 3 बोलेंगे। अब बात सुना, अभी इसकी जो एक्सिस है वो इस प्रकार से यूं है इसकी एक्सिस, और यहाँ पे इसकी जो एक्सिस है वो इसके साथ में कितना एंगल बना रही है बताओ, थीटा। तो इसका इसके साथ में थीटा एंगल हो गया, तो इसके साथ में एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। इस प्रकार का क्वेश्चन एनसीईआरटी में दे रखा है और इस पेपर के अंदर भी इस प्रकार का क्वेश्चन आपको दे रखा है। तो यहाँ पर अगर आपके पास इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी बताओ, इस इंटेंसिटी को अपन बोल सकते हैं आई नॉट बोल सकते हैं, ये इंटेंसिटी हो जाएगी आई नॉट। तो फाइनली आपके पास में जो इंटेंसिटी है इसको अपन क्या बोल सकते हैं बताओ, आई इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपके पास आई नॉट बाई 2, और इसके बाद में साइन स्क्वायर 2 थीटा, ये फॉर्मूला बन जाता है। अभी कैसे बनता है इसको अपन आगे डिस्कस कर लेंगे अभी थोड़ी देर बाद में। तो यहाँ पे आई की वैल्यू अपने को कितना देर का, 3 देर का है। आई नॉट अपने पास में कितना देगा, 32 डिवाइडेड बाई 2, और इसके बाद में साइन स्क्वायर 2 थीटा। इसके बाद इसको अपन क्या लिख सकते हैं बताओ, 32 बाई टी 2 16 हो गया। तो यहाँ से आपके पास में साइन स्क्वायर 2 थीटा, साइन स्क्वायर 2 थीटा इक्वल्स टू क्या बन जाएगा आपके पास में, 3 बाई 16 हो गया। तो यहाँ से इसको अपन क्या लिख सकते हैं बताओ, साइन स्क्वायर 2 थीटा, तो सॉरी ये अपन ने गलत लिख दिया फॉर्मूला, इसको अपन चेंज करते हैं। ये सही फॉर्मूला होता है आई नॉट बाई 8 होता है इस प्रकार से, ठीक है ना। अभी इसको डिराइव भी कर लेंगे अपन, तो 32 बाई 8 आ गया। यहाँ से थोड़ा सा इसको मैं चेंज कर देता हूँ, देखिएगा तो क्या बन जाएगा आपके पास, देखो I इक्वल्स टू कितना बन जाएगा, 3। इसको अपन क्या बोल देंगे, 32 डिवाइडेड बाई 8, और ये बन जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर 2 थीटा, तो 3 बाई 4 आ जाएगा। तो यहां से आपके पास है साइन स्क्वायर 2 थीटा इक्वल्स टू कितना देगा, 3 बाई 4। सॉल्यूशन को इधर लिख आता हूं मैं, तो यहां से मेरे पास में क्या बन जाएगा बताओ, साइन 2 थीटा, दोनों तरफ से रूट कर दो, रूट 3 बाई 2 आ जाएगा। इसको अपन क्या लिख सकते हैं भाई, साइन 60 हो जाएगा ये। तो यहाँ से आपके पास है 2 थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 60। तो यहाँ से थीटा इक्वल्स टू क्या देगा आपके पास है, 30 डिग्री हो जाएगा, क्या देगा, 30 डिग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा इस प्रकार से 30 डिग्री, सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है बच्चों, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं फिर अपन। नेक्स्ट देखिएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिएगा, डायरेक्शन ऑफ द फर्स्ट मैक्सिमम इन द फ्राउनहोफर डिफ्रेक्शन पैटर्न एट ए सिंगल स्लिट इज गिवन बाय।
अब आपको पता है कि मैक्सिमम की कंडीशन पे डेल्टा इक्वल टू क्या होता है, ए साइन थीटा, और फॉर्मूला था 2n+1 लेमडा बाई 2। फर्स्ट मैक्सिमम की बात कर रहे हैं तो एन इक्व टू 1 पुट कर देंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास, ए साइन थीटा इक्व टू 3 लेमडा बाई 2। तो ए साइन थीटा इक्व टू 3 लेमडा बाई 2, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आपको पता है कि डेल्टा इक्व टू ए साइन थीटा 2n+1 लेमडा बाई 2 ये तो मैक्सिमा के लिए होता है, और ए साइन थीटा इक्व टू एन लेमडा वो किसके लिए होता है, मिनिमा के लिए होता है, राइट। आगे बढ़ते हैं फिर अपन, नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है देखिएगा। ए डिफ्रेक्शन पैटर्न इज ऑब्टेंड यूजिंग रेड लाइट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैपन्स इफ द रेड लाइट इज रिप्लेस्ड बाई ब्लू लाइट। देखो अपन जानते हैं कि विबग्योर VIBGYOR, आप रेड से किस पे आ रहे हैं, ब्लू पे आ रहे हैं, तो लेमडा क्या हो जाएगा आपका डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। और लेमडा अगर डिक्रीज हो जाएगा तो फिर उसके बाद अपन बोल सकते हैं कि जो एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा है, तो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा है वो क्या हो जाएगा बताओ, डिक्रीज हो जाएगा। और आपको पता है कि लेमडा अगर डिक्रीज होगा तो चाहे कोई सा भी मिनिमा हो कोई सा भी मैक्सिमा उसका जो एंगल है वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। समझ गए बात आप, क्योंकि मैक्सिमा के लिए अपन क्या बोल सकते हैं बताओ, डेल्टा इक्व टू ए साइन थीटा इक्व टू क्या होता है 2n+1 लेमडा बाई 2 हो जाएगा, और मिनिमा के लिए अपन बात करते हैं तो क्या बन जाएगा आपके पास, ए साइन थीटा इक्व टू क्या हो जाएगा एन लेमडा। इसको अपन क्या बोल सकते हैं बताओ, मिनिमा, और इसको अपन क्या बोल सकते हैं बताओ, मैक्सिमा बोल सकते हैं, ठीक है। और लेमडा अगर डिक्रीज हो जाएगा तो आपका साइन थीटा वो भी डिक्रीज हो जाएगा, थीटा भी डिक्रीज हो जाएगा, यानी जो आपका डिफ्रेक्शन पैटर्न है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा क्राउडेड हो जाएगा। तो डिफ्रेक्शन बैंड्स बिकम्स नेरो एंड क्राउडेड, यानी संकरे हो जाएंगे, समझ गए बात आप, संकीर्ण हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा विवर्तन बैंड संकीर्ण एवं गहरा हो जाएगा, यानी जो बैंड्स है वो पास पास में आ जाते हैं, क्योंकि लेमडा के डिक्रीज होने की वजह से जो बैंड्स है वो पास पास में आ जाएंगे, ठीक है ना, नेरो एंड क्राउडेड, सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फिर अपन, अगला क्वेश्चन क्या करें, डिफ्रेक्शन एंड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट सजेस्ट, क्या सजेस्ट करते हैं। आपको बताया कि डिफ्रेक्शन और इंटरफेरेंस है ये क्या है, वेव नेचर को बताते हैं, तो वेव नेचर ऑफ लाइट। तो ध्यान से देखना, देखो आपको पता है कि जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ठीक है ना, रमन्स इफेक्ट है, कॉम्पटन्स इफेक्ट है, ये तो किसको बताते हैं बताओ, पार्टिकल नेचर को। इंटरफेरेंस है, डिफ्रेक्शन है, इसके बाद में पोलराइजेशन है, ये सारे के सारे किसको बताते हैं बताओ, वेव नेचर को बताते हैं। तो यहाँ पर इंटरफेरेंस और डिफ्रेक्शन ये अपने को दे रखा है, तो ये वेव नेचर हो जाएगी, तो वेव नेचर ऑफ लाइट सेकेंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। चलिए बच्चों अगले पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे आ चुके हैं अपन, क्या कह रहा है देखो, द एंगल बिटवीन पास एक्सिस ऑफ पोलराइजर एंड एनालाइजर इज 45 डिग्री, इफ अनपोलराइज लाइट ऑफ इंटेंसिटी आई नॉट इज इंसिडेंट ऑन पोलराइजर देन इंटेंसिटी ऑफ लाइट पासिंग थ्रू एनालाइजर इज। देखो सबसे पहली बात है कि आपके पास अनपोलराइज लाइट है, इसकी इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, आई नॉट हो जाएगी। इसके बाद इसको अपन किस पे इंसिडेंट करवाते हैं, पोलराइजर पर, तो पोलराइजर आपको पता है कि इंटेंसिटी को आधा कर देता है, तो आई नॉट बाई 2 हो गया, तो ये तो क्या हो जाएगी, अनपोलराइज लाइट हो जाएगी, और इसको अपन क्या बोल सकते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट हो गई। इसके बाद इसको अपन किस पे इंसिडेंट करवाते हैं बताओ, एनालाइजर पे इंसिडेंट करवाते हैं, तो चलो एनालाइजर पे इंसिडेंट करवाते हैं। तो फिर उसके बाद में एंगल कितना देगा, 45, तो इंसिडेंट कितना देगा, आई नॉट बाई 2, इसको अपन बोल सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा कितना देगा 45, कॉस स्क्वायर 45, तो इसको अपन लिख सकते हैं आई नॉट बाई 2, और कोस 45 कितना होता है 1/√2, स्क्वायर कर देंगे कितना देगा आपके पास 1/2, तो ये बन जाएगा आपके पास आई नॉट डिवाइडेड बाई 4, तो आई नॉट बाई 4 सेकेंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। समझ में तो आई गया होगा आपको, मेलस लॉ बोलते हैं इसको अपन, और मेलस लॉ नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेलस लॉ हो गया और इसके बाद में ब्रेवस्टर लॉ हो गया, पोलराइजेशन के दो ही टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्टली न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर आएगा तो मेलस लॉ और ब्रेवस्टर लॉ, ठीक है, हर टाइप के क्वेश्चन आपको इस पेपर के अंदर मिलने वाले हैं। अगला क्वेश्चन बहुत बेसिक सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, क्या कर रहा है, द कलर सीन इन द
reflected light, reflected white light from a thin oil film are due to. आपको पता है कि कोई भी जैसे थिन फिल्म है, उस थिन फिल्म के ऊपर अपन क्या करते हैं, इस प्रकार से लाइट इंसिडेंट करवाते हैं, ठीक है ना, इस प्रकार से लाइट इंसिडेंट करवाई तो कुछ पार्ट है वो तो क्या हो जाता है, यहीं से इस प्रकार से रिफ्लेक्ट हो जाता है, समझ गए बात आप, और कुछ पार्ट होता है वो क्या होता है, इस प्रकार से अंदर की तरफ जाता है, यहाँ से इस प्रकार से ट्रांसमिट कर जाता है, कुछ इस प्रकार से क्या होता है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होता है, फिर उसके बाद यहाँ से इस प्रकार से इधर की तरफ रिफ्लेक्ट हो गया, और कुछ यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के इस प्रकार से यूँ आता है, तो इसके और इसके बीच में क्या होता है, इंटरफेरेंस होता है, क्या होता है, इंटरफेरेंस होता है, और इसी प्रकार से कुछ पार्ट इसका इधर की तरफ चला जाएगा और कुछ पार्ट इस प्रकार से इधर की तरफ आ जाएगा, तो इसके और इसके बीच में भी क्या होता है, यहाँ पे इंटरफेरेंस होता है, तो यहाँ पे इंटरफेरेंस की वजह से जो भी ऑयल फिल्म है उसके अंदर कलर्स देखने को मिलते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा इंटरफेरेंस, सेकेंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें देखिएगा, ये कह रहा है कि व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 60 डिग्री ऑन सरफेस ऑफ ए ग्लास स्लैब इट इज फाउंड दैट द रिफ्लेक्टेड रे इज कंप्लीटली पोलराइज्ड द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लासेस। ध्यान से देखना, देखो 60 डिग्री अगर आप इंसिडेंस एंगल रखते हो तो इस स्थिति में वो क्या भी कंप्लीटली पोलराइज्ड, इसका मतलब यहाँ पे जो 60 डिग्री है वो क्या हो जाएगा, पोलराइजिंग एंगल हो जाएगा, तो आपके पास में जो आई पी है वो कितना देगा बताओ, 60 डिग्री हो गया, और अपन जानते हैं कि टेन आई पी ये किसके बराबर होता है बताओ, म्यू के बराबर होता है, तो आई पी कितना देगा 60, तो टेन 60 क्या हो जाएगा आपके पास में, रूट थ्री, ये म्यू आ गया, और म्यू को अपन क्या लिख सकते हैं, सी बाई वी आ गया, तो यहाँ से वी इक्वल टू क्या बन जाएगा आपके पास में, सी अपॉन रूट थ्री, और सी को अपन क्या लिख सकते हैं, थ्री इंटू टेन टू दी पावर एट अपॉन रूट थ्री, तो इसको अपन बोल सकते हैं रूट थ्री इंटू टेन टू दी पावर एट मीटर पर सेकेंड, तो कौन सा आंसर जा रहा है, रूट थ्री इंटू टेन टू दी पावर एट मीटर पर सेकेंड, सेकेंड आंसर विल बी करेक्ट। तो यहाँ पर ये जो ब्रेवेस्टर लॉ है उस पर बेस्ड है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फिर अपन, नेक्स्ट क्या कह रहा है देखिएगा, ये कह रहा है कि व्हेन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एनर्जी इज क्रिएटेड इन द रीजन ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी, एनर्जी डिस्ट्रॉयड इन द रीजन ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होल्ड्स गुड एंड एनर्जी इज रिडिस्ट्रीब्यूटेड। आपको पता है अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जैसे एक तो आपके पास में जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, एक आपके पास में क्या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पर जो इंटेंसिटी है वो क्या होती है, आई मैक्सिमम, और यहाँ पर जो इंटेंसिटी है वो क्या होती है बताओ, मिनिमम होती है, तो आई मैक्सिमम होता है वो क्या होता है, आई एवरेज से ज़्यादा होता है, और ये क्या होता है बताओ, आई एवरेज से कम होता है। अब एक्चुअली ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कुछ इंटेंसिटी होती है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे शिफ्ट हो जाती है, कुछ एनर्जी यहाँ पे क्या हो जाती है, इस प्रकार से ट्रांसफर हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम और यहाँ पे क्या होती है, मिनिमम होती है, तो यहाँ पे न तो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है और नई एनर्जी यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो रही है, जबकि हकीकत में एनर्जी डिस्ट्रक्टिव से कंस्ट्रक्टिव की तरफ ट्रांसफर हो रही है। ओके चलिए इसके बाद में अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तो इसका थर्ड ऑप्शन अपन टिक कर देते हैं, ठीक है, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा इसका। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं क्या कह रहा है देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द फ्रिंज विड्थ इज फाउंड टू बी 0.6 mm, ओके, इफ द होल अपैरेटस इज इमर्ज्ड इन ए लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 5/4 विदाउट डिस्टर्बिंग द ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट द न्यू फ्रिंज विड्थ विल बी। ध्यान से देखना, देखो यहाँ पे अपने को क्या दे रखा है, फ्रिंज विड्थ की बात कर रहा है, तो फ्रिंज विड्थ अपन सब जानती हैं, बीटा इक्वल्स टू क्या होता है, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, यहाँ पे जो अपैरेटस उसको आप चेंज नहीं कर रहे, यानी कैपिटल डी स्मॉल डी कांस्टेंट है, तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, तो ये बन जाएगा बीटा डेज अपॉन बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लैम्डा डेज अपॉन लैम्डा, और लैम्डा डेज को अपन क्या लिख सकते हैं, लैम्डा अपॉन म्यू इंटू क्या हो जाएगा लैम्डा, लैम्डा से लैम्डा को कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहाँ से आपके पास में क्या हो जाएगा, बीटा डेज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बीटा अपॉन म्यू, यहाँ पर जो बीटा था वो कितना था आपके पास, 0.6 था, और म्यू क्या हो जाएगा आपके पास, इसको अपने बोलेंगे 5/4 बोल देंगे, 5/4, तो ये अपने पास आ जाएगा 0.48 mm, ठीक है ना, 0.48 mm, सेकेंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है और काफ़ी फ्रिक्वेंटली इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अपन, ये कह रहा है कि इन यंग्स एक्सपेरिमेंट द वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज 7.8 × 10⁻⁷ एंड दैट ऑफ द ब्लू लाइट इज 5.2 × 10⁻⁷ मीटर, द वैल्यू ऑफ एन फॉर विच एंथ
ब्लू ब्राइट बेड कोइंसाइड्स विद एंथ रेड ब्राइट बेड। देखो सबसे पहली बात है कि कोइंसाइड करने का मतलब क्या है कि ओडेस से जो उस पॉइंट की डिस्टेंस है वो इक्वल होनी चाहिए। कोइंसाइड करने का मतलब ये होता है कि जैसे आपके पास ये YDAC का सेटअप हो गया इस प्रकार से, यहाँ पर ये कि आपके पास S1 है और ये आपके पास S2 है, S1 हो गया S2 हो गया और ये आपके पास में पॉइंट क्या हो जाएगा O, और इस पॉइंट को अपन क्या बोल सकते हैं ओडेस बोल सकते हैं, यानी ये आपके पास में पॉइंट है P, ठीक है ना, और इसकी यहाँ से जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी वाई हो जाएगी। यानी कोइंसाइड करने का मतलब है कि यहीं पर आपको एन प्लस वन ब्लू बन रहा है और यहीं पर एन थ्रेड बन रहा है, यानी दोनों के लिए जो वाई है वो क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। तो इसको अपन बोल सकते हैं वाई वन इक्वस टू क्या देगा वाई टू, वाई इक्वस टू क्या होता है डेल्टा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी इक्वस टू डेल्टा कैपिटल डी अपॉन इसको अपन बोल सकते हैं स्मॉल डी बोल सकते हैं। तो यहाँ से डेल्टा वन इक्वस टू क्या देगा डेल्टा टू, यानी दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो क्या रहेगा भी सेम रहेगा, पार्ट डिफरेंस भी सेम रहेगा। अब ध्यान से देखना, देखो एन प्लस वन ब्लू बैंड, तो ब्लू बैंड मतलब ब्लू ब्राइट बैंड, तो ब्राइट बैंड के लिए अपन लिख सकते हैं क्या होता है अभी एन लेमडा होता है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं एन प्लस वन, ये एन की वैल्यू होगी और इसके बाद है लेमडा, तो लेमडा किसका देगा अब दो ब्लू, तो ब्लू के लिए अपन बात कर सकते हैं कि जो वेवलेंथ है वो आपको क्या दे रही है 5.2 × 10⁻⁷, तो 5.2 × 10⁻⁷ आ जाएगा इक्वस टू डेल्टा टू। डेल्टा टू क्या हो जाएगा एंथ रेड, तो इसको अपन बोलेंगे एंथ, और रेड कितना देगा आपके पास 7.8 × 10⁻⁷ आ जाएगा। चलिए इसको सोल्व करते हैं, तो सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या बन जाएगा बताओ, 2.6 से डिवाइड कर देंगे 10⁻⁷, 10⁻⁷ तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको अपन बोल सकते हैं 2 आ गया, तो इसको अपन बोल सकते हैं n प्लस वन इक्वस टू इधर की तरफ 3, ये n अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं 2n प्लस 2 इक्वस टू 3n, यहाँ से आपके पास में क्या बन जाएगा बताओ 3n माइनस 2n n, n इक्वस टू क्या हो जाएगा 2, और आपको n की वैल्यू यहाँ पे पूछी जा रही है तो n इक्वस टू 2, थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 पे अपन पहुंच चुके हैं। क्या कह रहा है देखिएगा, ये कह रहा है कि ए प्लेन वेव ऑफ वेवलेंथ 6250 एंगस्ट्रॉम इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन स्लिट ऑफ विड्थ 2 × 10⁻²⁰ सेंटीमीटर, द विड्थ ऑफ द प्रिंसिपल मैक्सिम ऑन ए स्क्रीन डिस्टेंट 50 सेंटीमीटर विल बी। देखो आपको यहाँ पे जो प्रिंसिपल मैक्सिमम है उसकी जो विड्थ आपको पूछ रखी है, इसका फॉर्मूला सीधा सा है, अपन जानते हैं 2 λ/a × क्या होता है कैपिटल डी होता है। चलिए वैल्यू फुट कर देते हैं, सोल्व करते हैं 2 लेमडा कितना देर का आपको 6250 एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻⁰ आ गया। ठीक है, और फिर उसके बाद में लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल ए, तो यहाँ पर जो कैपिटल डी है वो कितना देर का आपको कैपिटल डी को अपन लिख सकते हैं किसमें 50 सेंटीमीटर, तो ये अपने पास आ जाएगा 50 सेंटीमीटर आ गया। ओके, और इसके बाद स्मॉल ए, देखो यहाँ पे इसको मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया है, तो यहाँ पे जो स्मॉल ए है स्लिट विड्थ इसको भी मीटर में लिख देता हूँ मैं, तो 2 × 10⁻²⁰ सेंटीमीटर है, तो 10⁻²⁰ लिख देता हूँ। अब देखना ध्यान से, देखो यहाँ पे वेवलेंथ है उसको मैंने मीटर में लिखा है और यहाँ पे जो स्मॉल ए है उसको मैंने मीटर में लिख दिया, मीटर से मीटर कट जाएगा तो आंसर किस में आ जाएगा यहाँ पे सेंटीमीटर में, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो 50 लिखा है ये किस में लिखा है मैंने सेंटीमीटर में लिखा है। चलिए इसको सोल्व करते हैं फिर अपन क्या बनता है, देखो यहाँ पे सोल्व करते हैं इसको, तो सोल्व करने से 2 से आपका 2 कैंसिल आउट हो गया, इसके बाद में 10⁻²⁻²⁴, इसके बाद में 10⁻⁶ आ जाएगा, और 10⁻⁶ आ गया, इसके बाद में इधर की तरफ पॉइंट अपन शिफ्ट करते हैं 5, इसके बाद में क्या हो जाएगा 4, इसके बाद में 3, और इसके बाद में 2, ठीक है ना, ये 2 आ गया, तो 10⁻²⁰ बन जाएगा। तो इसके बाद इसको अपन क्या लिख सकते हैं देखिएगा 10⁻²⁰ आ जाएगा, तो 0.625 × 50 × 10⁻²⁰ जाएगा। तो अगर इसको अपन सोल्व कर देंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास में देखिएगा 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा आपके पास में 31
0.25 into 10 टू द पावर माइनस का 2 सेंटीमीटर। तो इसके बाद में इसको अपन लिख सकते हैं, एक पॉइंट अपन इधर की तरफ शिफ्ट कर देंगे तो 312.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 3 सेंटीमीटर। तो 312.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 3 सेंटीमीटर, तो कौन सा हो जाएगा अभी आपका फर्स्ट ऑप्शन, इसके अंदर करेक्ट चला जाएगा। तो कैलकुलेशन है थोड़ी सी, ज़्यादा लेंदी कैलकुलेशन नहीं है, कर सकते इसको आप आराम से। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फिर अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिएगा, लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन ए स्लिट ऑफ विड्थ 24 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 सेंटीमीटर। द एंगुलर पोजिशन ऑफ सेकेंड मिनिमम फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमल बी। चलिए सबसे पहले अपन जानते हैं कि फ्राउनहोफर डिफ्रेक्शन के लिए डेल्टा इक्वल टू क्या होता है, ए साइन थीटा। और बात कर रहा है किसकी भी, मिनिमम की बात कर रहा है, तो मिनिमम के लिए क्या देगा आपके पास में, एन लैम्डा देगा। और सेकेंड मिनिमम है तो एन इक्वल टू कितना देगा, 2 देगा। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू क्या बन जाएगा, एन लैम्डा अपॉन ए, एन की वैल्यू 2 फुट कर दो तो 2 लैम्डा अपॉन ए। इसके बाद है 2 का 2, चलो लैम्डा की वैल्यू फुट करते हैं तो लैम्डा कितना देर का आपको बताओ, 6000 एंगस्ट्रॉम, तो 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 7 आ जाएगा। और अपॉन ए, ए कितना देर का आपको बताओ, 24 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 5 सेंटीमीटर, तो 10 टू द पावर माइनस 5 मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10 टू द पावर माइनस का 7 आ जाएगा। तो 6 इंटू 2 कितना देगा, 12 अपॉन 24 1/2 आ जाएगा। तो साइन थीटा 1/2 आ गया, तो थीटा इक्वल टू क्या बन जाएगा आपके पास में, 30 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, थर्ड आंसर विल बी करेक्ट। बढ़िया क्वेश्चन है शानदार वाला। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फिर अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से देखना, देखो, इन ए वाई डी एस ए एक्सपेरिमेंट विद आइडेंटिकल स्लिट्स द इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज इज आई नॉट, इफ वन ऑफ द स्लिट्स इज कवर्ड द इंटेंसिटी एट सेम पॉइंट इज। ध्यान से देखना, देखो यहाँ पे अपन बात करते हैं कि अगर आई वन और आई टू आपके पास में बराबर है तो आई मैक्सिमम ये क्या होता है, 4 टाइम्स ऑफ आई नॉट, और आई मिनिमम है वो क्या होता है, भी 0 होता है। अब अगर एक स्लिट को आपने कवर कर दिया तो आपके पास आई वन है वो तो कितना देगा, आई नॉट, और आई टू है वो क्या देगा आपके पास है, 0। तो उसी पॉइंट पर जो इंटेंसिटी है वो क्या देगा, आई नेट इक्वल टू आई नॉट के बराबर ही हो जाएगी, क्योंकि दूसरी वाली जो स्लिट है उससे किसी प्रकार की इंटेंसिटी यहाँ पे आई नहीं रही। और आई नॉट को अपन क्या बोल सकते हैं, अभी भाई इसको आई नॉट बोला है, ठीक है ना, तो 4 टाइम्स ऑफ आई नॉट, या इसको अपन एक काम करते हैं आई बोल देते हैं इसको, अपन इसको अपन क्या बोल देते हैं, आई बोल देते हैं। तो इक्वल टू क्या देगा बताओ, आई बोल दो, ओके। और इसको भी अपन क्या लिख सकते हैं बताओ, यहाँ पे 4 टाइम्स ऑफ आई हो गया, तो फिर उसके बाद में ये भी अपने पास में क्या बन जाएगा, इस प्रकार से आई वन इक्वल टू कितना देगा आई, ये 0 हो गया। तो आपके पास में केवल एक स्लिट है तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं, और यहाँ से आई को अपन क्या लिख सकते हैं बताओ, आई नॉट डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। इसी को यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, आई नॉट बोला जा रहा है। तो यानी सीधी सी बात है कि जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है किसी एक भी किसी भी स्लिट की इंटेंसिटी की 4 टाइम्स होती है। अगर एक स्लिट को आपने बंद कर दिया तो नेट इंटेंसिटी किसी एक स्लिट की इंटेंसिटी के बराबर होगी, जो कि मैक्सिमम का 1/4 हो जाएगी। तो आई नॉट बाई 4 आपका यहाँ पे आंसर चला जाएगा, फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फिर अपन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, द मैक्सिमम इंटेंसिटी इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज आई नॉट। ओके, मैक्सिमम इंटेंसिटी आपको दे रखा है, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स इज स्मॉल डी इक्वल्स टू 5 लैम्डा। क्या दे रखा है आपको, देखो स्मॉल डी इक्वल्स टू 5 लैम्डा, वेयर लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज्ड इन द एक्सपेरिमेंट, व्हाट विल बी द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट्स ऑन ए स्क्रीन एट ए डिस्टेंस डी इक्वल्स टू 10 डी। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको इंटेंसिटी पूछी जा रही है। तो सबसे पहले अपन जानते हैं कि वाई इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी होता है। अब देखो एक स्लिट के बिल्कुल सामने की बात कर रहे हैं, जैसे ये आपके पास मान के चलिएगा वाई डी एस सी का आपका सेटअप हो गया, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, एस वन बोल सकते हैं, और इसको अपन क्या बोल सकते हैं, एस टू बोल सकते हैं। एस वन एस टू के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपके पास, डी हो जाएगी। और इस एक स्लिट के बिल्कुल सामने की यहाँ की अगर अपन बात करते हैं यहाँ की, तो यहाँ से लेके यहाँ की डिस्टेंस वाई, और वाई को अपन क्या बोल सकते हैं बताओ,
डी डिवाइडेड बाई टू देगा। तो इसके बाद इस फॉर्मूले को अपन आगे बढ़ाते हैं, वाई इक्व टू क्या हो जाएगा भाई, डी डिवाइडेड बाई टू इक्व टू डेल्टा कैपिटल डी अपॉन क्या हो जाएगा आपके पास में स्मॉल डी। तो यहाँ से अपने को डेल्टा कैलकुलेट करना है अभी, तो क्या बन जाएगा देखो, यहाँ से डेल्टा इक्व टू क्या हो जाएगा, डेल्टा इक्व टू हो जाएगा स्मॉल डी स्क्वायर अपॉन टू इंटू कैपिटल डी। अब ध्यान से देखना तो स्मॉल डी कितना देर का आपको 5 लेमडा, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं बताओ, 25 लेमडा स्क्वायर अपॉन टू। इसके बाद में कैपिटल डी कितना देगा, 10 लेमडा और 10 डी, और डी कितना देगा आपके पास में 5 लेमडा, तो डी की वैल्यू अगर यहाँ पे पुट कर दूंगा तो कितना देगा आपके पास में 50 लेमडा हो जाएगा। कितना देगा, 50 लेमडा। तो 50 × 2 कितना देगा, 100, तो इसको अपन बोल सकते हैं लेमडा बाई 4 बोल सकते हैं। तो लेमडा बाई 4 तो क्या हो जाएगा आपके पास में, पार्ट डिफरेंस आ गया, ये तो पार्ट डिफरेंस है। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग अपन फेज डिफरेंस कैलकुलेट कर लेंगे, तो फाई कुछ टू कितना देगा बताओ, 2π/λ (Δ) और डेल्टा को अपन क्या बोल सकते हैं बताओ, λ/4। तो यहाँ से लेमडा को कैंसिल आउट कर देंगे, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं बताओ, π/2 आ गया अभी, ये आपके पास में फाई आ गया, फाई कितना देगा भाई, π/2। इसके बाद देखिएगा ध्यान से देखो, अपने को इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, तो I net = I maximum, और मैक्सिमम इंटेंसिटी कितने देर की आपको बताओ, I0 दे रखी है, I0। इसके बाद कॉस स्क्वायर क्या बन जाएगा अभी, 5/2 होता है तो ये कितना हो जाएगा 90, और 90/2 कर देंगे तो 90/2 कितना होता है, 45। तो कॉस 45 कितना होता है, 1/√2, और 1/√2 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/2, तो I0/2 ये आपका आंसर आ जाएगा अभी। तो आंसर आ जाएगा आपका क्या, I0/2, फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फिर अपन, क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। क्या कह रहा है देखिएगा, ये कह रहा है कि इन ए डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इनिशियली बोथ द स्लिट्स आर ऑफ द सेम साइज, द वन स्लिट इज मेड ट्वाइस एज वाइड एज द अदर, देन द इंटरफेरेंस पैटर्न। अब ध्यान से देखना देखो, बात ये है कि सबसे पहले अपन ये लेके चलते हैं कि मान के चलिएगा आपके पास I1 = I2 = क्या है, I0 है। तो चलिए देखते हैं अपन I max अपन जानते हैं क्या होता है, I1 + I2 + √I1 × I2। I1 I2 अगर अपन पुट कर देंगे तो सोल्व करने पर ये अपने को प्राप्त हो जाएगा कितना बताओ, 4I0। इसके बाद अपन बात करते हैं कि इसकी आई मिनिमम की बात करते हैं, तो आई मिनिमम बराबर कितना होता है बताओ, I1 + I2 - √I1 × I2। और I1 I2 को अपन I0 के बराबर पुट कर देंगे तो ये अपने को क्या प्राप्त हो जाएगा, अभी 0 प्राप्त हो जाएगा। अब अगले केस में अपन क्या करते हैं देखो ध्यान से, अगले केस में जो I1 है इसको तो अपन I0 ही रखते हैं, बट जो I2 है इसको अपन क्या कर देते हैं बताओ, 2I0 कर देते हैं। यानी एक स्लिट है उसकी इंटेंसिटी को यहाँ पे अपन डबल कर देते हैं, तो I1 को I0, I2 को अपन 2I0 कर देते हैं। तो ऐसा करने से अपन सोल्व करते हैं, I max क्या बन जाएगा बताओ, I max = I1 कितना देगा, I0 प्लस कितना देगा, 2I0। तो सीधा लिख देता हूँ क्या बन जाएगा आपके पास है, 3I0, और प्लस क्या बन जाएगा आपके पास है, 2। और इसके बाद में क्या हो जाएगा भाई, I0 × 2I0, तो क्या बन जाएगा आपके पास है, 2I0 square। तो I0 तो बाहर आ जाएगा, ठीक है ना, तो 2I0, और फिर उसके बाद अंदर क्या हो जाएगा आपके पास है, 2। तो 2√2 × क्या हो जाएगा आपके पास, I0 आ जाएगा अभी। अब यदि इसको अपन देखते हैं तो यहाँ पे 3I0 प्लस ये कुछ है, तो ये वाला I0 से तो ऑब्वियसली ज़्यादा है, तो I मैक्सिमम है वो देखो, पहले वाली इंटेंसिटी कितनी है, 4I0, 4I0 से ज़्यादा है, यानी मैक्सिमम इंटेंसिटी यहाँ पे 4I0 से ज़्यादा है। और I मिनिमम अगर अपन कैलकुलेट करते हैं तो I मिनिमम है वो कितना बन जाएगा बताओ, I मिनिमम हो जाएगा I1 + I2, तो कितना बन जाएगा आपके पास 3I0, और माइनस कितना हो जाएगा आपके पास है, 2√2 × क्या देगा, I0 देगा। तो यहाँ पर आपका जो इस केस में I मैक्सिमम है वो ग्रेटर देन क्या देगा, 4I0, और जो I मिनिमम है वो भी ग्रेटर देन क्या देगा बताओ, 0 देगा। यानी जो मैक्सिमम उसकी इंटेंसिटी भी इंक्रीज होगी
और मिनिमा उसकी इंटेंसिटी भी इंक्रीज होगी, दोनों की इंटेंसिटी यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। तो अपन बोल सकते हैं कि द इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा, द इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा, द इंटेंसिटी ऑफ बोथ द मैक्सिमा एंड मिनिमा इंक्रीजेज। फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट चला जाएगा, ठीक है ना। तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ पे अपन इस क्वेश्चन को सोल्व किया है। तो अगर एक स्लिट को अपन ट्वाइस कर देंगे तो इंटेंसिटी उसे डबल पास होगी, डबल पास डबल इंटेंसिटी अगर पास होगी तो इस केस में मैक्सिमा की इंटेंसिटी भी इंक्रीज होगी और मिनिमा की इंटेंसिटी वो भी इंक्रीज होगी। मैथमेटिकली अपन इस बात को यहाँ पे प्रूव कर दिया है। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फिर अपन। क्वेश्चन नंबर 25 क्या करा है देखो, क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड इन लिक्विड, द 10th ब्राइट फ्रिंज इन लिक्विड लाइज वेयर 6th डार्क फ्रिंज लाइज इन वैक्यूम, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड अप्रोक्सीमेटली। देखो बहुत सिंपली इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं। क्या करा है कि 10th ब्राइट फ्रिंज इन लिक्विड, मान के चलेगा जो लिक्विड है उसके अंदर जो वेवलेंथ है उसको अपन क्या मान लेते हैं, लेमडा डेस मान लेते हैं, और वैक्यूम है उसके अंदर जो वेवलेंथ उसको अपन क्या मान लेते हैं, लेमडा मान लेते हैं, ठीक है ना। तो 10th ब्राइट फ्रिंज इन लिक्विड, तो अपन जानते हैं कि डेल्टा वन इक्वस टू डेल्टा टू, तो डेल्टा वन इक्वस टू क्या कर देंगे अपन, डेल्टा टू कर देंगे, और डेल्टा इक्वस टू क्या बन जाएगा बताओ, ध्यान से देखना। देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं 10th ब्राइट के लिए, तो 10th ब्राइट फ्रिंज कहाँ पे बनती है भाई, ब्राइट फ्रिंज के लिए अपन लिख सकते हैं डेल्टा इक्वस टू एल लेमडा, तो 10th के लिए क्या देगा बताओ, 10 लेमडा डेस बोल देंगे क्योंकि लिक्विड की बात कर रहा है, और फिर उसके बाद में 6th डार्क फ्रिंज, तो डार्क फ्रिंज के लिए अपन क्या लिख सकते हैं बताओ, 2n-1 और लेमडा बाई 2 आ जाएगा। तो n की वैल्यू अपन क्या पुट कर देंगे, 6 पुट कर देंगे, तो 6 × 2 कितना हो जाएगा, 12-1 11, 11 लेमडा बाई 2 आ जाएगा, तो 10 लेमडा डेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 11 लेमडा बाई 2 आ जाएगा, और इसके बाद में 10 लेमडा डेस को अपन क्या बोल सकते हैं, लेमडा डिवाइडेड बाई म्यू और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 11 लेमडा अपॉन 2 आ जाएगा। लेमडा से यहाँ पे अपन लेमडा को कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहाँ से आपके पास में क्या बन जाएगा, म्यू इक्वल टू 2 × 10 कितना देगा, 20 डिवाइडेड बाई 11, और 20 बाई 11 कितना देगा आपके पास में, लगभग हो जाएगा 1.8 के समथिंग आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट चला जाएगा, ठीक है। चलिए बच्चों इसके बाद अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। यह कह रहा है कि इन ए डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी एट द स्क्रीन इज एट ए डिस्टेंस कैपिटल डी फ्रॉम द स्लिट्स, वेवलेंथ ऑफ यूज लाइट इज लेमडा, इफ ए मैक्सिमा इज फॉर्म्ड जस्ट अपोजिट टू ई स्लिट देन व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द फ्रिंज सो फॉर्म्ड। देखो सबसे पहले एक वाइड एसी के सेटअप का डायग्राम मैं आपके सामने यहाँ पे बना रहा हूँ। देखो ध्यान से इस प्रकार से ये यहाँ पे एक स्लिट है, इसका नाम क्या हो जाएगा S1, और यहाँ पर एक स्लिट है इसको अपन क्या बोल सकते हैं, S2 बोल सकते हैं, और किसी एक स्लिट के बिल्कुल सामने की यहाँ की अपन बात कर रहे हैं, यहाँ की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो देखो ध्यान से Y है वो किसके बराबर हो जाएगा बताओ, D/2 के बराबर हो जाएगा। D यहाँ पे क्या हो जाएगी, S1 S2 के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है, और कैपिटल डी क्या हो जाएगी बताओ, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो जाएगी, ओके। चलिए अब अपन सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब ये बोला जा रहा है कि इसके सामने आपको ब्राइट मिलता है, सबसे पहले वाई का फॉर्मूला आपको सबको याद होगा, डेल्टा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। इसके बाद चलो वाई की वैल्यू फुट करते हैं, तो वाई कितना देगा आपके पास, D/2। अब ब्राइट बन रहा है तो ब्राइट के लिए डेल्टा इक्वल टू क्या होता है बताओ, एन लेमडा, तो एन लेमडा डेल्टा हो गया, कैपिटल डी अपॉन क्या देगा आपके पास, स्मॉल डी। इसके बाद में ध्यान से देखना, देखो यहाँ पर आपके पास जो एन है, एन इक्वल टू क्या बन जाएगा, इसको अपन बोल देंगे स्मॉल डी स्क्वायर अपॉन, इसको अपन बोल देंगे 2 लेमडा कैपिटल डी। तो स्मॉल एन इक्वल टू डी स्क्वायर 2 लेमडा कैपिटल डी, तो डी स्क्वायर अपॉन 2 लेमडा कैपिटल डी, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका मैच कर रहा है, तो फर्स्ट आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या कह रहा है। टू बीम्स ऑफ लाइट हैविंग इंटेंसिटीज आई एंड 4i इंटरफेयर टू प्रोड्यूस ए फ्रिंज पैटर्न ऑन स्क्रीन, द फेज डिफरेंस बिटवीन द बीम्स इज 5/8 point A एंड π 8 point B, देन द डिफरेंस बिटवीन द रिजल्टेड इंटेंसिटीज एट A एंड B इज।
ध्यान से देखना, देखो दोनों की इंटेंसिटी आई वन आई टू आपको यहाँ पर डिफरेंट दे रखी है, और पॉइंट ए और पॉइंट बी इन दोनों पे फेज डिफरेंस भी आपको गिवन है। तो सबसे पहले आपको ए पे इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, उसके बाद में बी पे इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, और फिर उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस आपको करना है। तो सबसे पहले देखते हैं आई ए, आई ए इक्व टू, अपन जानते हैं आई नेट क्या होता है, अभी आई वन प्लस आई टू प्लस टू रूट ऑफ आई वन आई टू कोस फाई होता है। तो फर्स्ट इंटेंसिटी क्या देगी बताओ, आई प्लस क्या देगा बताओ, फोर आई प्लस क्या देगा आपके पास है टू, इसके बाद में रूट ऑफ आई वन आई टू, तो फोर आई, तो फोर आई स्क्वायर, इसके बाद में कॉस फाई। तो पॉइंट ए पे कितना देर का आपको देखो, द फेज डिफरेंस बिटवीन बीम्स इज फाइव बाई टू एट पॉइंट ए, तो पाई बाई टू फुट कर देते हैं, तो ये आपके पास हो जाएगा पाई बाई टू, पाई बाई टू कितना होता है 90, और कॉस 90 कितना देगा जीरो, तो ये वाला पूरा का पूरा जीरो देगा। तो यहाँ से आपके पास में जो आई ए है उसको अपन क्या बोल सकते हैं, आई प्लस फोर आई, ये अपने पास बन जाएगा फाइव आई बन जाएगा। इसी प्रकार से चलो बच्चों अपन आई बी कैलकुलेट करते हैं, तो आई बी कुछ टू कितना देगा, आई वन प्लस क्या देगा आपके पास आई टू, प्लस क्या देगा आपके पास टू रूट ऑफ आई वन आई टू, यानी आपके पास में फोर आई स्क्वायर इन टू, इसके बाद में क्या देगा बताओ, पॉइंट बी पे क्या देगा, पॉइंट बी पे हो जाएगा पाई, और इसको अपन क्या लिख सकते हैं बताओ, कॉस पाई, और कॉस पाई कितना होता है माइनस वन होता है, तो माइनस वन आ देगा, और फोर आई स्क्वायर कितना देगा टू, तो टू टू कितना देगा आपके पास में फोर आ देगा, ठीक है ना, तो माइनस फोर, तो आई बी अगर आप सॉल्व कर दोगे तो आपके पास ये आई आ जाएगा, क्या देगा आई। अब यहाँ पे आपको क्या पूछा जा रहा है, इंटेंसिटी का डिफरेंस पूछा जा रहा है, तो आई ए माइनस क्या देगा आई बी इक्वस टू क्या देगा बताओ, फाइव आई माइनस क्या देगा बताओ आई इक्वस टू क्या बन जाएगा आपके पास फोर आई। तो केवल और केवल कैलकुलेशन है, बाकी सिंपल आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। आई वन आई टू आपको गिवन है, और आपको पॉइंट ए और पॉइंट बी इन दोनों पे फेज डिफरेंस आपको गिवन है, इसके हेल्प से आप इजीली सोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो फोर आई कहाँ पे, सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है देखो, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट ए पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेर द फार डिफरेंस इज लेमडा इज आई, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट पॉइंट वेर द फार डिफरेंस बिकम्स लेमडा बाई थ्रू लेमडा बाई थ्री। देखो सबसे पहली बात है कि आपको पार डिफरेंस आपको गिवन है, तो यहाँ से फेज डिफरेंस अपन कैलकुलेट कर देंगे। तो फेज डिफरेंस क्या देगा, फाइव इक्व टू टू पाई बाई लेमडा इंटू क्या होता है पार डिफरेंस, तो टू पाई बाई लेमडा इंटू पार डिफरेंस कितना देगा आपके पास में लेमडा, तो ये बन जाएगा आपके पास में टू पाई। और इसके बाद में अपन बात करते हैं कहाँ की, दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, तो दूसरे पॉइंट पर क्या हो जाएगा, तो टू पाई बाई लेमडा इंटू कितना देर का आपको लेमडा बाई थ्री, लेमडा से लेमडा को कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा टू पाई बाई थ्री आ जाएगा। अब यहाँ पे इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं अपन, तो आई नेट इक्वस टू क्या बन जाएगा बताओ, ये कह रहा है कि मैक्सिमम इंटेंसिटी कितने देर की आपको बताओ, मैक्सिमम इंटेंसिटी आपको देर की भी आई नेट इक्वस टू क्या बन जाएगा बताओ, इसको अपन बोल सकते हैं जहाँ पे, यहाँ पे इंटेंसिटी को क्या बोला जा रहा है, आई बोला जा रहा है, तो अपन जानते हैं आई नेट इक्वस टू क्या होता है, फोर आई नॉट कॉस स्क्वायर फाइव बाई टू, तो फाइव कितना देगा आपके पास बताओ टू पाई, तो टू पाई बाई टू पाई बन जाएगा, क्या बन जाएगा पाई, ठीक है। और आपको पता है कॉस पाई कितना होता है माइनस वन, स्क्वायर कर देंगे अपन वन हो जाएगा, तो फोर आई नॉट ही हो जाएगा, तो इसको अपन बोलेंगे फोर आई नॉट, और क्वेश्चन में इसको आई बोला जा रहा है। तो कभी अगर अपने को जरूरत पड़ी आई नॉट की, तो आई नॉट इक्वल टू क्या लिख देंगे अपन, आई बाई फोर लिख देंगे। इसके बाद में इस पॉइंट की अपन बात करते हैं, तो इस पॉइंट पे इंटेंसिटी क्या देगी बताओ, आई नेट इक्वल टू फोर आई नॉट कॉस स्क्वायर फाइव बाई टू, ठीक है ना, तो फाइव कितना देगा आपके पास, और टू पाई बाई थ्री, और टू पाई बाई थ्री, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं पाई बाई थ्री लिख देंगे। पाई बाई थ्री कितना होता है 60, कॉस 60 कितना होता है वन बाई टू, और वन बाई टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा वन बाई फोर, कॉस स्क्वायर करना आपको, फोर से फोर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सॉल्व कर दोगे ये आपके पास आ जाएगा आई नॉट, और आई नॉट को अपन पहले क्या लिख चुके हैं बताओ, आई बाई फोर लिख चुके हैं, आई बाई फोर, तो आई बाई फोर फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट चला जाएगा। ओके चलिए बच्चों, इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 29 अपन देखते हैं क्या करें, इन वाई डी एस सी स्मॉल डी इक्वल टू 2 mm, आपको स्मॉल डी की वैल्यू गिवन है, कैपिटल डी इक्वल टू 2 meter एंड लैम्डा इक्वल टू 500 nm, इफ इंटेंसिटीज ऑफ टू स्लिट्स आर आई नॉट एंड 9 i नॉट, देन फाइंड इंटेंसिटी एट वाई इक्वल टू 1/6, तो वाई इक्वल टू 1/6 पे आपको यहाँ पे इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, ठीक है ना।
सबसे पहले अपन लिख सकते हैं वाई इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। तो वाई की वैल्यू आपको गिवन है, वाई इक्वल टू कितना देगा आपके पास में 1/6 mm दे रखा आपको। तो mm को अपन क्या लिख सकते हैं 10^-3, यहाँ पे माइनस से 3 लिख देते हैं, इक्वल टू डेल्टा अपने को पता नहीं है। और कैपिटल डी कितना दे रखा आपको यहाँ पे 2 दे रखा है अपॉन स्मॉल डी, स्मॉल डी कितना दे रखा है 2 mm दे रखा है, तो 2 तो mm कितना देगा आपके पास में 10^-3 आ जाएगा। 2 से अपन यहाँ पे 2 को कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहाँ से आपके पास डेल्टा इक्वल टू क्या बन जाएगा, देखो डेल्टा इक्वल टू बन जाएगा 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो गया, तो 10^-6 डिवाइडेड बाई, इसको अपन बोल सकते हैं 6 बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब देखना था ऐसे, देखो 10^-6 अपॉन 6 आ गया। अब यहाँ पे इसको अपन क्या बोल सकते हैं बताओ, 10^-3 10^-3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या बन जाएगा बताओ, 10^-6 अपॉन कितना देगा 6 इंटू 10^-3 अपॉन क्या देगा 10^-3 आ देगा। 10^-6 10^-3 इसको अपन क्या बोल सकते हैं बताओ, 10^-9 इसको अपन नैनोमीटर लिख देंगे, क्या लिख देंगे नैनोमीटर, ठीक है ना। और ये क्या बन जाएगा आपके पास बताओ 1000 आ जाएगा, 10^3 आ जाएगा ऊपर की तरफ अपॉन 6, ठीक है ना। और ये बन जाएगा आपके पास में नैनोमीटर आ जाएगा। अब देखना ऐसे देखो 500 नैनोमीटर इसको अपन क्या लिख सकते हैं, लेमडा लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं बताओ, इक्वल्स टू 2/6 इंटू क्या बन जाएगा बताओ 500। या इसको अपन एक काम करें ना, सीधा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताओ, ये 500/3 नैनोमीटर हो जाएगा, 500/3 नैनोमीटर। और 500 नैनोमीटर को अपन क्या लिख सकते हैं लेमडा, ये आपके पास λ/3 आ गया। तो ध्यान से देखना, देखो अपन जानते हैं वाई कुछ टू डेल्टा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, इसकी हेल्प से अपन क्या करेंगे, सबसे पहले डेल्टा कैलकुलेट कर देंगे। तो डेल्टा कितना आ जाएगा अपने पास है λ/3 आ गया, ये डेल्टा आ चुका है, ओके। अब नहीं सॉरी, अपने को क्या प्राप्त हो चुका है, डेल्टा प्राप्त हो चुका है लेमडा के टर्म्स में। अब यहाँ से अपन क्या करते हैं, फेज डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। तो फाई कुछ टू क्या देगा 2π/λ इंटू फार डिफरेंस क्या देगा बताओ λ/3, लेमडा से लेमडा को कैंसिल आउट कर दो, इसको अपन बोलेंगे 2π/3 हो जाएगा। अब चलो इंटेंसिटी का फॉर्मूला अपन पुट करते हैं, आई नेट इक्वल टू I1+I2। I1 क्या देगा आपके पास में बताओ I0, I2 क्या देगा बताओ 9I0, इसके बाद में प्लस 2√I1 × I2, I0 × 9I0, तो क्या बन जाएगा आपके पास 9I0² × cos φ। फाई कितना देगा आपके पास में तो 2π/3 जो कि कितना होता है 120, और कॉस 120 होता है -1/2 होता है। तो डायरेक्टली इसको लिख देता हूँ मैं, माइनस का 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 से अपन 2 को कैंसिल आउट कर देंगे, तो क्या बन जाएगा बताओ 9I0 + I0 = कितना देगा 10I0। तो 10I0 तो अपने पास में ये बन चुका, देखो 10I0, और इसके बाद माइनस का इसको अपन क्या लिख सकते हैं 3I0, इसको अपन क्या लिख सकते हैं बताओ 7I0 आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं थोड़े से कैलकुलेटिव है, इन क्वेश्चंस को आप टफ नहीं बोल सकते, कैलकुलेशन थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग जरूर है, बाकी देखो कंसेप्ट बिल्कुल सिंपल सा है। वाई कुछ टू डेल्टा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, वाई आपको गिवन है, डी आपको गिवन है, स्मॉल डी आपको गिवन है, यहाँ से डेल्टा निकाला, पार डिफरेंस आ गया, इसको लेमडा के टर्म्स में कन्वर्ट किया, और फिर उसके बाद इसको अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ से फेज डिफरेंस निकालेंगे, और नेट इंटेंसिटी का फॉर्मूला है I1 + I2 + 2√I1 I2 cos φ, ठीक है ना। तो अप्रोच अगर आपके माइंड में है तो इस प्रकार के क्वेश्चंस है वो भी आप कर सकते हैं। मैं बिल्कुल मान रहा हूँ कि इस प्रकार के क्वेश्चंस में थोड़ा सा टाइम है वो बाकी क्वेश्चंस के कंपेयर में ज़्यादा लगता है, बट फिर भी एग्जाम के अंदर कम से कम 4-5 क्वेश्चंस होते हैं ऐसे आते हैं जिनके अंदर थोड़ा सा जो हैवी कंसेप्ट लगता है, या अपन बोल सकते हैं कि मतलब 1 या 2 मिनट में, मतलब लगभग 2 मिनट के आसपास आपका टाइम कंज्यूम कर देता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, क्या कह रहा है देखो, क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन YDSC वॉटर इज फिल्ड इन स्पेस बिटवीन द स्लिट्स एंड स्क्रीन देन। अब आपको बताया कि जैसे अगर अपन वाटर फिलअप कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अपन जानते हैं कि बीटा इक्वल टू क्या होता है
बीटा इक्वल टू क्या होता है, लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, फॉर्मूला आप जानते हो सब, तो बीटा इक्वल टू लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, यहाँ से बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेमडा, ठीक है ना। और यहाँ से अपन जानते हैं कि अगर अपन पानी भर देंगे तो लेमडा वो क्या हो जाएगा बताओ, डिक्रीज हो जाएगा, और लेमडा अगर डिक्रीज हो जाएगा तो आपका जो बीटा है वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, तो फ्रिंज विड्थ वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और फ्रिंज पैटर्न है वो बिल्कुल भी शिफ्ट नहीं होगा, यानी जहाँ पे आपका सेंट्रल मैक्सिमा बन रहा था वहाँ पे अब भी सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा। तो अपन देख सकते हैं, जैसे मान के चलेगा ये आपके पास में वाई डी सी सेटअप है, ये एस वन हो गया, ये एस टू हो गया, एस वन और ये अपने पास एस टू हो गया, तो यहाँ पे अपने पास में जो जीरो ऑर्डर का ब्राइट पहले भी मिल रहा था अब भी यहीं पे जीरो ऑर्डर का ब्राइट मिलेगा, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन सी होगा, फ्रिंज पैटर्न शिफ्ट अपवर्ड नो फ्रिंज विथ डिक्रीज एंड फ्रिंज पैटर्न शिफ्ट अपवर्ड फ्रिंज विथ फ्रिंज विथ डिक्रीजेस एंड फ्रिंज पैटर्न डज नॉट शिफ्ट, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ध्यान से देखना, तो यहाँ पे आपका जो फ्रिंज पैटर्न है वो शिफ्ट नहीं हो रहा है, जो फ्रिंज विड्थ है वो डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि वाटर फिलअप कर देंगे लेमडा डिक्रीज होगा, जिसकी वजह से आपकी जो फ्रिंज विड्थ है वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 क्या करा, देखो इन वाई डी एस ऑफ इक्वल विड्थ स्लिट्स इफ इंटेंसिटी एट सेंटर ऑफ स्क्रीन इज आई नॉट देन इंटेंसिटी एट डिस्टेंस ऑफ बीटा बाई फोर फ्रॉम दिस सेंट्रल मैक्सिमा, बीटा क्या हो जाएगी आपके पास है, फ्रिंज विड्थ हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं अपन कितने डिस्टेंस दे रखी है आपको, बीटा बाई फोर, तो यहाँ पे अपने पास वाई इक्व टू क्या हो जाएगा बच्चों, बीटा बाई फोर, और बीटा को अपन क्या लिख सकते हैं बताओ, लेमडा कैपिटल डी अपॉन क्या हो जाएगा स्मॉल डी, फोर आ गया, और वाई को अपन क्या लिख सकते हैं, डेल्टा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, डी बाई डी को कैंसिल आउट कर दो, तो यहाँ से आपके पास है डेल्टा इक्व टू क्या हो जाएगा, लेमडा बाई फोर आ जाएगा, और यहाँ से अपन फेज डिफरेंस कैलकुलेट कर लेंगे, तो फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा, टू पाई बाई लेमडा इंटू क्या देगा आपके पास लेमडा बाई फोर आ जाएगा, लेमडा से लेमडा को कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये कितना बन जाएगा आपके पास में, पाई बाई टू आ जाएगा, और पाई बाई टू कितना होता है, 90 होता है। तो चलिए अपन निकालते हैं आई नॉट इक्व टू क्या बन जाएगा बताओ, दोनों की इंटेंसिटी कितने देर की आपको, आई नॉट देर की है, तो ये होता है फॉर्मूला आपके पास है, फोर आई नॉट कॉस स्क्वायर फाइव बाई टू, तो ये बन जाएगा आपके पास है फोर आई नॉट। अब ध्यान से देखना, देखो फाइव कितना देगा, फाइव बाई टू है 90, और 90 कितना होता है, 90 बाई टू 45, कॉस 45 कितना देगा, वन बाई रूट टू, स्क्वायर कर देंगे अपने पास वन बाई टू आ जाएगा, और फोर आई नॉट बाई टू कितना देगा आपके पास में, टू आई नॉट, ठीक है ना। तो इंटेंसिटी आपको पूछी जा रही है, तो टू आई नॉट, ओ सॉरी यहाँ पे एक चीज़ अपन ने मिस्टेक कर दी, मैक्सिमम इंटेंसिटी आपको क्या दे रखी है यहाँ पे, मैक्सिमम इंटेंसिटी आपको ऐसे बोला जा रहा है कि आई नॉट, ये मैक्सिमम इंटेंसिटी यहाँ पे आपको आई नॉट ही दे रखी है, ठीक है ना। तो आई नॉट ही हो जाएगा इक्व टू आई नॉट बाई टू, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा आपके पास में, आई नॉट बाई टू ही आ जाएगा भैया, आई नॉट बाई टू, क्योंकि यहाँ पे आपको दिया जा रहा है कि इफ इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ स्क्रीन इज आई नॉट, ये मैक्सिमम इंटेंसिटी है, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी को यहाँ पे आई नॉट बोल रहा है, तो आई नॉट इक्व टू आई मैक्सिमम कॉस स्क्वायर फाइव बाई टू होता है, तो आई मैक्सिमम को अपन क्या लिख देंगे बताओ, आई नॉट लिख देंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, टू लाइट्स ऑफ वेवलेंथ्स लेमडा वन एंड लेमडा टू आर सेंट थ्रू यंग्स डबल स्लिट अपैरेटस साइमल्टेनियसली इफ द थर्ड ऑर्डर ब्राइट ऑफ फ्रिंज लेमडा वन कोइंसाइड्स विद द फोर्थ ऑर्डर ब्राइट ऑफ लेमडा टू, देन ध्यान से देखना, देखो कोइंसाइड करने का मतलब होता है कि मैंने आपको बताया था कि वाई वन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताओ वाई टू, इसका मतलब ये हो जाएगा कि डेल्टा वन इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ डेल्टा टू, और दोनों ही ब्राइट है तो डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा एन लेमडा, तो थर्ड ऑर्डर ऑफ लेमडा, तो थ्री लेमडा वन इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास फोर लेमडा टू, तो यहाँ से आपके पास है लेमडा वन अपॉन क्या हो जाएगा लेमडा टू इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास फोर बाई थ्री, तो फोर बाई थ्री फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट चला जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अपन रुक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं अपन, फिर क्वेश्चन नंबर 33 क्या कर रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं अपन, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इफ द विड्थ्स ऑफ द स्लिट्स आर इन द रेशियो 4:9 द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी एट मैक्सिमम टू द इंटेंसिटी ऑफ मिनिमाइज, देखो सबसे पहली बात है कि जो स्लिट्स की विड्थ का जो रेशियो होता है वही इंटेंसिटी का रेशियो होता है,
तो अपन बोल सकते हैं कि ये अपने पास में आई वन अपॉन आई टू इक्वल्स टू 4 अपॉन 9 हो जाएगा। इसको अपन बोल सकते हैं ए वन अपॉन ए टू का होल स्क्वायर। तो यहाँ से अपने पास में जो ए वन अपॉन ए टू है कितना देगा आपके पास 2/3, समझ गए। और मैक्सिमम और मिनिमम, तो आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम, ए मैक्सिमम ए मिनिमम होल स्क्वायर ए वन प्लस ए टू ए वन माइनस ए टू का होल स्क्वायर। और ए वन ए टू का रेशियो अपने पास में आई चुका है तो कितना देगा 2:3। तो क्या बोल सकते हैं 3+2 5 और 3-2 कितना देगा 1 स्क्वायर कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 25:1। तो 25:1 थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 33। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है देखिएगा ध्यान से। ये कह रहा है कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ डॉपलर इफेक्ट इन लाइट द टर्म रेड शिफ्ट सिग्निफाइज। देखो रेड शिफ्ट का मतलब क्या होता है, अपन जानते हैं VIBGYOR। रेड शिफ्ट मतलब रेड की तरफ शिफ्ट हो जाती है वेवलेंथ। इसका मतलब जो लेमडा वो क्या होता है, इंक्रीज होता है, और फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ध्यान से देखना, तो ऐसा तब होता है जब डिस्टेंस है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है, डिस्टेंस इंक्रीज होती है। डिस्टेंस इंक्रीज होने का मतलब होता है कि जैसे ये आपके पास ऑब्जर्वर हो गया या आपके पास सोर्स हो गया, लाइट सोर्स है, इस प्रकार से दूर की तरफ जा रहा है। अगर दूर की तरफ जा रहा है तो अपन बोल सकते हैं कि लेमडा इंक्रीज होगा, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी। इसको अपन बोल देंगे रेड शिफ्ट बोल देंगे। अगर सोर्स वो पास की तरफ आ रहा है तो इस केस में डिस्टेंस डिक्रीज, वेवलेंथ डिक्रीज, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, इसको अपन बोल देंगे ब्लू शिफ्ट बोल देंगे। जानते हैं आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत बेसिक सी बातें हैं। तो अपन बोल सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी डिक्रीज, तो डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। अपन क्या कह रहा है देखो, ये कह रहा है कि ए लाइट सोर्स अप्रोचेस द ऑब्जर्वर विद वेलोसिटी 0.8c, द डॉपलर शिफ्ट फॉर द लाइट ऑफ वेवलेंथ 5500 एंगस्ट्रॉम इच। देखो यहाँ पे अपन बात करते हैं कि लेमडा डेस, लेमडा डेस इक्वल टू क्या होता है, लेमडा इंटू रूट ऑफ 1 प्लस क्या होता है आपके पास बीटा अपॉन क्या होता है आपके पास 1 माइनस बीटा, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको क्या बोला जा रहा है, 1 प्लस माइनस होता है और यहाँ पे क्या होता है आपके पास माइनस प्लस होता है। अब देखते हैं अपन कौन सा फॉर्मूला काम में लेंगे, लेमडा रूट ऑफ। सबसे पहली बात है कि यहाँ पे जो बीटा होता है, बीटा क्या होता है बताओ, ये होता है आपके पास वी अपॉन सी का रेशियो होता है, ठीक है। अब देखिएगा लाइट सोर्स क्या कर रहा है, अभी अप्रोच कर रहा है तो वेवलेंथ को आपको डिक्रीज करवाना है, तो ऊपर माइनस का साइन आ जाएगा, तो 1 माइनस बीटा अपॉन क्या देगा आपके पास 1 प्लस है बीटा। तो लेमडा कितना देर का आपके पास में, ये देगा आपके पास 5500 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा, रूट ऑफ इसके बाद 1 माइनस बीटा की बात करते हैं अपन, बीटा तो v कितना देगा आपके पास है 0.8c अपॉन क्या देगा c, तो इसको अपन बोलेंगे 0.8 बोल देंगे, ठीक है ना। तो 1 माइनस कितना देगा आपके पास है 0.8 अपॉन क्या देगा 1 प्लस क्या देगा 0.8 आ जाएगा, और 1 माइनस 0.8 तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं 5500 × 1 - 0.8 होता है कितना 0.2 1.8, तो ये देगा आपके पास 1/9, ये 3 आ जाएगा, कितना देगा 3, तो इसको अपन बोल देंगे 1/3 आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये लेमडा डेस आ गया, अब आपको डॉपलर शिफ्ट पूछा जा रहा है यानी चेंज इन वेवलेंथ, तो डेल्टा लेमडा इक्वल टू क्या देगा लेमडा माइनस क्या देगा लेमडा डेस आ जाएगा। और इसके बाद में इसको अपन क्या बोल सकते हैं 5500 - 5500/3, और यदि इसको अपन सोल्व कर देंगे तो ये अपने पास में आ जाएगा 3667 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट चला जाएगा। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। अपन क्या करें, देखो कंसिडर फ्रॉन ऑफ डिफ्रेक्शन पैटर्न ऑप्टेड विद ए सिंगल स्लिट एट नॉर्मल इंसिडेंस एट द एंगुलर पोजिशन ऑफ फर्स्ट डिफ्रेक्शन मिनिमम द फेज डिफरेंस बिटवीन द वेवलेट्स फ्रॉम द अपोजिट एजेस ऑफ द स्लिट। देखो ये अपने पास कोई स्लिट है, ये अपने पास स्क्रीन है, ये इस स्लिट के दोनों एजेज हो गए, यहाँ पे अपने को प्राप्त होता है इस प्रकार से सेंट्रल मैक्सिमम, ये क्या हो जाएगा इस प्रकार से सेंट्रल मैक्सिमम देगा, और यहाँ पर क्या बनता है फर्स्ट मिनिमम बनता है, क्या बनता है फर्स्ट मिनिमम। और फर्स्ट मिनिमम की पोजीशन पे अगर अपन बात करें तो डेल्टा किसके बराबर होता है बच्चों, लेमडा के बराबर होता है, और आपको यहाँ पे फेज डिफरेंस पूछा जा रहा है। डेल्टा किस किस के बीच का होता है, अभी डेल्टा होता है किस किस के बीच का,
एक तो यहाँ से इस प्रकार से सेकेंडरी वेवलेट इस प्रकार से यहाँ पे जा रही है, और एक इस प्रकार से यहाँ से सेकेंडरी वेवलेट है वो यहाँ पे इस प्रकार से जा रही है, तो इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस हो जाएगा, पाथ डिफरेंस हो जाएगा लेमडा। तो चलो फेज डिफरेंस अपन कैलकुलेट करते हैं, तो क्या हो जाएगा आपके पास 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस लेमडा, तो ये अपने पास बन जाएगा, क्या बन जाएगा 2π बन जाएगा, तो आंसर हो जाएगा इसका 2π, फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अपन क्या करें। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट विल बी द एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इन फ्रंट ऑफ अ डिफ्रेक्शन व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम इज यूज्ड एंड स्लिट विद दिस 12×10⁻⁵ सेंटीमीटर। यहाँ पे आपको एंगुलर विड्थ पूछी जा रही है, तो एंगुलर विड्थ क्या हो जाएगी आपके पास, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इक्वल्स टू, ये होता है आपके पास 2λa। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको डायरेक्टली लर्न करना चाहिए। तो 2λ कितना देर का आपको बताओ, लेमडा देर का 6000 एंगस्ट्रॉम, मतलब 10⁻⁰ आ जाएगा, ठीक है ना। और इसके बाद अपॉन 12×10⁻⁷ आ जाएगा, ठीक है ना। तो 12×10⁻⁷, तो इसको अपन सोल्व करेंगे तो कितना देगा, 6×12, 12/12, 1, तो ये आपके पास में देगा कितना, 1 रेडियन। तो 1 रेडियन इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम, थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, एकदम फॉर्मूला बेस्ड, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना इसके अंदर। चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर अपन देखते हैं 38 क्या करें। देखिए बच्चों, ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ ए ग्लास प्लेट एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू ब्रेवस्टर एंगल 5। इफ म्यू रिप्रेजेंट्स द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर देन द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रे इज। देखो बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ पे अपने पास में ये कोई रेयर मीडियम है और ये अपने पास में कोई इस प्रकार से डेंसर मीडियम है। इस प्रकार से लाइट अपन ने क्यों इंसिडेंट करवाई यहाँ पे, इसका कुछ पार्ट है वो तो क्या हो जाता है, इस प्रकार से रिफ्लेक्ट हो जाता है। और यहाँ पर ये वाला एंगल अगर अपना कितना है, आई को अपन क्या बोल सकते हैं बताओ, IP, पोलराइजिंग एंगल बोल देते हैं इसको अपन। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं बताओ, रिफ्लेक्टेड पार्ट, जो कि क्या होता है, ये तो क्या होता है कि अनपोलराइज्ड लाइट, तो ये होता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है ना। और इस केस में ये क्या हो जाएगा आपके पास में, इसको अपन बोल सकते हैं रिफ्रैक्टेड हो गया, ठीक है ना। और इन दोनों के बीच का एंगल कितना होता है, 90 होता है। डायरेक्टली रिजल्ट आपको ध्यान में रखना है, तो एंगल हो जाएगा 90, थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, 2 polaroids आर फ्लैश्ड इन द पाथ ऑफ अनपोलराइज्ड बीम ऑफ इंटेंसिटी I0 सच दैट नो लाइट इज इमिटेड फ्रॉम द सेकंड पोलराइड। इफ ए थर्ड पोलराइड हुज पोलराइजेशन एक्सिस मेक्स एन एंगल थीटा विद द पोलराइजेशन एक्सिस ऑफ फर्स्ट पोलराइड इज फ्लैश्ड बिटवीन दीज पोलराइड्स देन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इमर्जिंग फ्रॉम द लास्ट पोलराइड विल बी। देखो ऐसा है कि ये आपके पास में एक पोलेरॉइड है, ये इस प्रकार से, और ये आपके पास में एक पोलेरॉइड है, इसको अपन रख देते हैं, इस प्रकार से रख देते हैं, ये फर्स्ट हो गया और इसको अपन क्या बोलेंगे, सेकंड बोल देंगे, ठीक है ना। इसके बाद में ध्यान से देखना, देखो दोनों एक दूसरे के क्रॉस्ड अरेंजमेंट में रखे हुए हैं। इसके बाद एक को मैं इस प्रकार से यूँ रखता हूँ, ध्यान से देखना, देखो इसकी जो एक्सिस है वो इस प्रकार से इस वर्टिकल लाइन के साथ में इसकी एक्सिस इस प्रकार से थीटा एंगल बना रही है। ये वाला जो एंगल है ये कितना देर का आपको, थीटा देर का है। अब चलो कैलकुलेट करते हैं अपन। सबसे पहले आपको बोला जा रहा है कि अनपोलराइज्ड लाइट, तो अनपोलराइज्ड लाइट अपन इस पे इंसिडेंट करवाते हैं, कितनी हो जाएगी बताओ, I0, ठीक है ना। इसके बाद में जब इसमें से गुजरेगी तो ये प्लेन पोलराइज्ड हो जाएगी, इसको अपन क्या बोल देंगे, I0/2 हो जाएगा। इसके और इसके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, थीटा, तो यहाँ पर इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी बताओ, इसको अपन बोल देंगे I1 बोल देंगे। तो यहाँ पर आपके पास में जो I1 है, I1 लिख देते हैं, I1 इक्वल टू कितना देगा बताओ, I0/2 तो हो ही गया, और इसके बाद इसको अपन बोलेंगे cos स्क्वायर थीटा। और इसके बाद जब इंटेंसिटी यहाँ से पास करेगी, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, I2 बोल सकते हैं। तो यहाँ से आपके पास जो I2 है, I2 इक्वल टू क्या बन जाएगा बताओ, इसको अपन बोल सकते हैं I1, और इसके बाद cos स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, देखो इसके और इसके बीच का एंगल कितना देगा, 90 - थीटा देगा, इसको अपन लिख सकते हैं 90 - थीटा। ये जो क्वेश्चन अपन डिस्कस कर रहे हैं ये NCERT का क्वेश्चन है, ठीक है ना, थोड़ा सा लेंथी है बट NCERT का क्वेश्चन है इसलिए मैंने दिया ये। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, देखिएगा ये हो जाएगा आपके पास I1, और इसको अपन बोल सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा देगा। तो चलो I2 की बात करते हैं, तो I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास I1, तो
आई वन कितना देगा बताओ, आई नॉट डिवाइडेड बाई टू, और यह देगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा, इसको अपन बोल सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। इसके बाद इसको ऊपर 4 से नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या बन जाएगा आपके पास आई नॉट डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2 कितना देगा 8, और यह बन जाएगा आपके पास 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इसको अपन लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा को अपन बोल सकते हैं साइन 2 थीटा। तो यह बन जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है ना। बिल्कुल स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, डायरेक्टली इसका आंसर है वो भी आप लर्न कर सकते हैं, फर्स्ट ऑप्शन इसके अंदर आपका करेक्ट चला जाएगा। ओके चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फिर अपन, क्या कह रहा है देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 40 है, ए बीम ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट फॉल्स ऑन ए सिस्टम ऑफ 5 पोलराइज्ड्स व्हिच आर अरेंज्ड इन सक्सेशन सच दैट द पास एक्सिस ऑफ ईच पोलराइड इज टर्न्ड थ्रू 60 डिग्री विद रेस्पेक्ट टू द प्रीसीडिंग वन। द फ्रैक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट इंटेंसिटी दैट पासेस थ्रू द सिस्टम इज। सबसे पहली बात है कि अनपोलराइज्ड लाइट अपन इंसिडेंट करवाते हैं तो लाइट है उसकी इंटेंसिटी कितने देगी आई नॉट, फर्स्ट पोलराइड में से इसको पास करवाया इंटेंसिटी कितने देगी आई नॉट बाई 2 आ जाएगी। इसके बाद है सेकेंड में से इसको पास कराओगे क्या हो जाएगा बताओ, एंगल कितना है 60, कॉस 60 कितना होता है 1/2, स्क्वायर कर देंगे क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, तो बाई फोर आपको करना है तो आई नॉट बाई 2/4 8 आ जाएगा। इसके बाद में जब इसको थर्ड में से पास करोगे तो आई नॉट बाई 8 × 4 कितना देगा 32। इसके बाद में जब फोर्थ में से इसको पास करोगे तो आई नॉट बाई इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे 128, और जब इसको फिफ्थ में से पास करोगे तो क्या बन जाएगा आपके पास आई नॉट 128 × 4 यह बन जाएगा आपके पास 512, तो आई नॉट बाई 512 आ जाएगा, तो आपके पास फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट चला जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं अपन, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखो ध्यान से। देखो बहुत शानदार सा क्वेश्चन है, सुपरपोजिशन का क्वेश्चन है, क्या कर रहा है देखिएगा। 4 हार्मोनिक वेव्स ऑफ इक्वल फ्रीक्वेंसीज एंड इक्वल इंटेंसिटीज आई नॉट हैव फेज एंगल्स 0, एक का फेज एंगल कितना दे रखा आपको 0, इसकी इंटेंसिटी कितना देगी मान लो इसका एम्पलीट्यूड कितना है a, एम्पलीट्यूड से अपन सॉल्व करते हैं, दूसरे का कितना देगा π/3 यानी 60, यानी इसके पास में ये भी a आ गया, और तीसरा कितना देगा 2π/3 यानी 120, इसको भी अपन क्या बोल सकते हैं a बोल सकते हैं, और अगला कितना देगा पाई यानी इसको भी अपन क्या बोल देंगे a बोल देंगे, ये a आ गया। अब ध्यान से देखना देखो यहाँ पे इसको अपन इससे कैंसिल आउट कर देंगे ठीक है ना, और इसके बाद में इन दोनों का रिजल्टेंट है a दोनों के बीच का एंगल 60, तो दोनों का रिजल्टेंट कितना देगा आपके पास √3 टाइम्स ऑफ a आ गया। चलिए अब अपन इंटेंसिटी की बात करते हैं, तो अपन जानते हैं कि इंटेंसिटी आई नेट, अब ध्यान से देखना देखो आपको पता है कि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर होता है ना, तो आई नेट इक्वल्स टू कितना देगा बताओ, इसका स्क्वायर कर दोगे √3 का स्क्वायर कितना देगा 3, तो 3 हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ आई नॉट, तो 3 टाइम्स ऑफ आई नॉट एन आई नॉट के बराबर लिख देंगे इसको अपन एन आई नॉट, तो एन डायरेक्टली कितना देगा आपके पास में 3, सेकेंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो चलिए बच्चों इसके बाद में क्वेश्चन नंबर अपन देखते हैं 42, तो यहाँ से अपना जो सेमीकंडक्टर है उसका पोर्शन स्टार्ट हो चुका है, तो चलिए देखते हैं बारी बारी क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 42 क्या कर रहा है देखिए बच्चों, विच सर्किट विल नॉट शो करंट इन एमीटर। तो ध्यान से देखना देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये दोनों फॉरवर्ड में है, ये भी फॉरवर्ड ये भी फॉरवर्ड, तो यहाँ पे करंट का फ्लो होगा, यहाँ पे ये वाला क्या देगा फॉरवर्ड हो जाएगा और ये क्या अभी रिवर्स है, तो इस स्थिति में करंट है उसका फ्लो इस प्रकार से यूँ होगा, इससे होते हुए इससे होते हुए करंट इससे होते हुए और फिर इस प्रकार से सर्किट के अंदर करंट फ्लो होगी। यहाँ पर ये दोनों फॉरवर्ड में तो करंट का कुछ पार्ट तो इधर चला जाएगा और करंट का कुछ पार्ट इस प्रकार से इधर चला जाएगा, तो इस प्रकार से सर्किट के अंदर करंट फ्लो होगी, बट यहाँ पर ये तो क्या देगा तो रिवर्स हो जाएगा और ये क्या देगा फॉरवर्ड हो जाएगा, तो इसका रेजिस्टेंस कितना देगा इनफाइनाइट, इसका रेजिस्टेंस 0 बोल दोगे आप जैसे आइडियल डायोड है, तो 0 प्लस इनफाइनाइट कितना होता है बताओ इनफाइनाइट होता है, तो इसके अंदर करंट है वो कितनी देगी बताओ 0 देगी, तो ये किसी प्रकार की करंट यहाँ पे शो नहीं करेगा, बहुत सिंपल सा सर्किट है ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फिर अपन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि द रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी ऑफ द टैंक सर्किट ऑफ एन ऑसिलेटर वेन एल देर का आपको सी देर का आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ध्यान से देखना देखो टैंक सर्किट आप जानते क्या करता है एल सी ऑसिलेशन करता है और ये क्या करता है किसी सर्टेन फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करता है,
और आपको पता है एल और सी के बीच में रिलेशन, फ्रीक्वेंसी अपन सब जानते ही हैं, 1/2π रूट ऑफ एल इंटू सी। अब यहाँ पे वैल्यू आपको दे रखी है तो 1/2π रूट ऑफ एल इंटू सी। तो यहाँ पे एल कितना दे रखा आपको, 10/π² 10/π² इसके बाद में क्या ये मिली हेनरी, तो मतलब 10^-3 आ जाएगा। और उसके बाद में बात करते हैं सी की, बात करते हैं तो सी कितना देगा भाई, इसको अपन बोल सकते हैं 1 2, तो 4 × 10^-2 और 10^-6 तो 10^-8 बन जाएगा। ये समझ गए बात आप, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, देखो पाई स्क्वायर है, पाई बाहर करके कैंसिल आउट हो देगा, इसको अपन बोल सकते हैं 10^-8 10^-3 तो 10^-11 आ गया। और इसके बाद में 10^-10 और 10^-10 है वो बाहर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपके पास में 10^-5 और 10^-5 ऊपर जा करके 10^-5 बन जाएगा, ठीक है ना। तो 10^-5 यानी 100 × 10^3 लिख सकते हैं अपन, अपॉन 4 बाहर आएगा 2 2 का 4 4 से इसको अपन डिवाइड कर देंगे तो कितना देगा आपके पास है 25 kHz, ये इसकी फ्रिक्वेंसी आ जाएगी। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट चला जाएगा अभी, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फिर अपन, क्वेश्चन नंबर 44 क्या कर रहा है देखना जैसे, देखो देखो यहाँ पे ये कह रहा है कि द एनर्जी ऑफ ईएम वेव इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 15 kilo electron volt, टू विच पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम डज इट बिलोंग। देखो यहाँ से अपन एक काम कर सकते हैं, अपन जानते हैं कि लेमडा इक्व टू क्या होता है, एच सी अपॉन ई। इसके बाद इसको सोल्व करते हैं तो ये अपने पास हो जाएगा 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम अपॉन 15 kilo है तो 10^3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल आउट देगा तो ये कितना देगा आपके पास में 12,400 अपॉन कितना देगा आपके पास में 15,000, और 12,400 को अगर अपन 15,000 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास में ऑलमोस्ट वैल्यू क्या आ जाएगी, मैं बताता हूँ आपको ध्यान से देखना, देखो यह आ जाएगा 12,400 / 15,000 0.83, तो यह देगा आपके पास है 0.83 एंगस्ट्रॉम। तो ध्यान से देखना, देखो ये आपको पता है कि ये एक्सरे होता है, एक्सरे होता है 0.1 से लेके 100 एंगस्ट्रॉम तक, ठीक है ना, 0.1 से लेके 100 एंगस्ट्रॉम तक एक्सरे होता है, तो ये 0.1 से लेके 100 की रेंज में आ रहा है तो ये एक्सरे हो जाएगा, तो फर्स्ट आंसर अपना यहाँ पे करेक्ट चला जाएगा। चलिए बच्चों इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फिर अपन, क्या कह रहा है देखो ध्यान से, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट्स इन द इंटेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज। आपको पता है कि किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है इन दोनों की एनर्जी डेंसिटी सेम होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी दोनों सेम होती है, ठीक है ना। तो अपन बात कर सकते हैं कि यू ई बार इक्व टू क्या देगा आपके पास है यू बी बार, और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इक्व टू क्या देगा आपके पास में बी स्क्वायर अपॉन 2μ0, दोनों का रेशियो कितना देगा 1, तो 1:1 थर्ड आंसर विल बी करेक्ट। चलिए चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 46 अपन देखते हैं, इसके बाद में क्या कर रहा है, द कंडक्टिविटी ऑफ ए सेमी कंडक्टर, ध्यान से देखना, कोई सेमी कंडक्टर है उसकी कंडक्टिविटी की बात कर रहा है, ठीक है ना, सेमी कंडक्टर के लिए अपन बात कर रहे हैं। कंडक्टर के केस में आपका आंसर डिफरेंट होगा और सेमी कंडक्टर के केस में डिफरेंट होगा। देखो अपन जानते हैं सिग्मा इक्व टू क्या होता है, सिग्मा इक्व टू होता है एन ई स्क्वायर टो डिवाइडेड बाई क्या देगा आपके पास में एम हो जाएगा। अगर अपन क्या करते हैं टेम्परेचर है उसको अपन इंक्रीज करवाते हैं तो आपका जो एन है वो क्या होता है इंक्रीज होता है और जो टो है वो क्या होता है भाई डिक्रीज होता है, ठीक है ना। पर ध्यान से देखना, देखो यहाँ पे जो एन है वो एन क्या होता है ज़्यादा इंक्रीज होता है और टो में यहाँ पे जो डिक्रीज होता है वो क्या होता है कम होता है, तो यहाँ पे इफेक्टिव चेंज है वो किसकी वजह से आएगा बताओ, एन की वजह से आएगा, तो एन यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है तो अपन बोल सकते हैं सिग्मा वो भी क्या हो जाएगा बताओ इंक्रीज हो जाएगा। तो कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर बिकॉज नंबर डेंसिटी ऑफ करंट कैरियर्स इंक्रीजेज, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेज, बट इफेक्ट ऑफ डिक्रीज इन रिलैक्सेशन टाइम इज मच लेस देन इंक्रीज इन नंबर डेंसिटी, यही आपका आंसर है। अगर अपन कंडक्टर्स के केस में बात करेंगे तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने से जो एन है
उसके अंदर जो इंक्रीज आएगा वो लेस इफेक्टिव हो जाएगा एज कंपेयर टू डिक्रीमेंट इन टो, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फिर अपन। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। देखो इन फिगर अज्यूमिंग द डायोड्स टू बी आइडियल, दोनों डायोड अब वो क्या आइडियल है, तो यहाँ पर इसको अपन क्या बोल सकते हैं बताओ। इसका हो जाएगा आपके पास है 0 वोल्ट हो गया, और ये कितना हो जाएगा आपके पास है -10 वोल्ट हो गया। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं बताओ, हाई पोटेंशियल बोल सकते हैं, और इसको अपन क्या बोल सकते हैं बताओ, लो पोटेंशियल बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो अब अपन देख सकते हैं, देखो ये वाला जो डायोड है इसका ये लो पे जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्स बाइस हो जाएगा, और ये वाला जो डायोड है वो क्या हो जाएगा बताओ, फोर्ड बाइस हो जाएगा। समझ गए बात आप। और आपको बताया कि इस रिवर्स बाइस डायोड है इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, तो सर्किट में यहाँ पे किसी प्रकार की करंट फ्लो नहीं होगी, ठीक है ना। तो अपन बोल सकते हैं कि यहाँ पर D1 रिवर्स बाइस में, तो D1 फॉरवर्ड, ये गलत हो गया, D2 इज फॉरवर्ड बाइस, D1 इज रिवर्स बाइस, एंड हैंस नो करंट फ्लो फ्रॉम B2A एंड वाइस वर्सा, ठीक है ना। चलिए तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट चला जाएगा, ओके। यानी सर्किट के अंदर किसी प्रकार की करंट फ्लो नहीं होगी, दोनों में से एक भी डायोड अगर रिवर्स बाइस में हो गया तो फिर उसके बाद में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस वो ऑफर करेगा, जिसकी वजह से सर्किट का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो गया और करंट अब वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर अपन, ध्यान से देखना। देखो ये डायग्राम बिल्कुल आपका जाना पहचाना सा अपन देख सकते हैं इसके अंदर। देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो ये वाला जो रीजन है इस रीजन को अपन क्या बोलते हैं बताओ, इसको अपन बोलते हैं कट ऑफ रीजन बोलते हैं। इस रीजन को अपन क्या बोलते हैं बताओ, एक्टिव रीजन बोलते हैं। और इस रीजन को अपन क्या बोलते हैं बताओ, सेचुरेशन रीजन बोलते हैं। आपका जो कट ऑफ रीजन होता है इसके अंदर ये ट्रांजिस्टर किस की तरह काम करता है बताओ, इस स्थिति में ये स्विच ऑफ की तरह बिहेव करता है। एक्टिव रीजन है इसके अंदर ये किस की तरह, एम्पलीफायर की तरह बिहेव करता है, किस की तरह, एम्पलीफायर की तरह। और जो सेचुरेशन रीजन है इसके अंदर ये स्विच ऑन कंडीशन, इस स्थिति में ये स्विच ऑन कंडीशन की तरह बिहेव करता है। तो आंसर देख लो कौन सा देगा, एट V=0.4 वोल्ट ट्रांजिस्टर इज इन एक्टिव स्टेट, ठीक है ना, गलत हो गया। यहाँ पर तो कट ऑफ रीजन है। इसके बाद V=1 वोल्ट इट कैन बी यूज एज एन एम्पलीफायर, बिल्कुल ठीक बात है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक इसको एम्पलीफायर की तरह अपन काम में ले सकते हैं। तो सेकंड ऑप्शन ऑप्शन अपना करेक्ट चला जाएगा। V=0.5 वोल्ट इट कैन बी यूज एज स्विच टर्नड ऑफ, ठीक है ना। तो 0.5 है, ठीक है ना, इट कैन बी यूज एज ए स्विच टर्नड ऑफ, तो यहाँ पे स्विच ऑफ की तरह इसको अपन काम में ले सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला क्या देगा, बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा। एट V=2.5 इट कैन बी यूज एज एन स्विच टर्नड ऑन, तो यहाँ पे स्विच टर्नड ऑन, ये भी बिल्कुल एकदम अपना सही चला जाएगा। अब अपना आंसर क्या है, अपने को यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा जा रहा है, तो इनकरेक्ट कौन सा हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन चला जाएगा इनकरेक्ट, ठीक है ना, ये फर्स्ट इनकरेक्ट है। तो इस आंसर को अपन टिक कर देंगे, यहाँ पे अपने को करेक्ट नहीं पूछा जा रहा है, इनकरेक्ट पूछा जा रहा है, तो इस कारण से फर्स्ट अपना यहाँ पे करेक्ट चला जाएगा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है देखो। इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर द डिप्लेशन रीजन ऑफ ए डायोड, देर आर नो मोबाइल चार्ज कैरियर्स, बिल्कुल ठीक बात है। इक्वल नंबर ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स एग्जिट मेकिंग द रीजन न्यूट्रल, नो। रिकॉम्बिनेशन ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स हैज टेकन प्लेस, बिल्कुल ठीक बात है। इमोबाइल चार्ज आइंस एग्जिस्ट, देखो अपन बात करते हैं डिप्लेशन रीजन की बात करते हैं, तो ये आपका डिप्लेशन रीजन हो गया, ये पी साइड हो जाएगी, ये आपके पास एन साइड हो जाएगी। जो पी साइड है इधर की तरफ क्या होते हैं, होल्स होते हैं, मेजोरिटी में माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इधर की तरफ क्या होते हैं, मेजोरिटी में इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और माइनॉरिटी में क्या होते हैं, होल्स होते हैं। पी साइड की तरफ इस प्रकार से माइनस आयंस होते हैं, और इधर की तरफ कैसे आयंस होते हैं, इस प्रकार से प्लस आयंस होते हैं। तो यहाँ पे देर आर नो मोबाइल चार्ज कैरियर्स, किसी प्रकार के मोबाइल चार्ज कैरियर्स यानी इलेक्ट्रॉन्स और होल्स यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते। इक्वल नंबर ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स एग्जिट मेकिंग द रीजन न्यूट्रल, बिल्कुल गलत बात है। अब ये कह रहा है कि मतलब पी पार्ट और एन पार्ट इन दोनों के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स इक्वल होते हैं, जिसकी वजह से रीजन न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल तो होता है, बट इसका रीजन ये नहीं है कि यहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। तो यही आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है ना, इनकरेक्ट स्टेटमेंट ये आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फिर अपन। ये वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, डायरेक्टली आपको ध्यान में रखना होता है, ठीक है ना। एनसीईआरटी के अंदर आपको दे रखे हैं कि जैसे मतलब ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स कौन से हैं, इनऑर्गेनिक कौन कौन से हैं, और फिर उसके बाद में पॉलीमर्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से, देखो ये क्या देगा, इनऑर्गेनिक हो जाएगा, तो ये तो अपना आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद ये क्या बताओ, ऑर्गेनिक है, और ये क्या बताओ, पॉलीमर है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर गिवन है, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिया है अभी, समझ गए। डायरेक्टली एनसीईआरटी से पिक किया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखिए आप।
अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, ध्यान से देखना, देखो क्या करें। थ्री फोटोडायोड्स D1, D2, D3 आर मेड ऑफ सेमीकंडक्टर हैविंग बैंड गैप्स 2.5, 2 एंड 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेस्पेक्टिवली, विच वन विल बी एबल टू डिटेक्ट लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम। देखिए ध्यान से देखो, अपन जानते हैं कि एनर्जी यहाँ से E इक्वल टू क्या होता है, एच सी अपॉन लेमडा, और एच सी कितना होता है बताओ, 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम अपॉन लेमडा। लेमडा कितना देगा आपके पास है, 6000 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर इसको अपन सोल्व करते हैं तो ये लगभग अपने को कितना प्राप्त हो जाएगा, भाई लगभग अपने को 2.1 मान लो, लगभग 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। अब ध्यान से देखना, देखो 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या इस D1 को, देखो D1 के लिए 2.5 चाहिए तो 2.1 तो कम पड़ जाएगा, और इसके लिए 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए तो इसके लिए भी ये कम पड़ जाएगा। पर ध्यान से देखना, देखो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये क्या कर सकता है, इसको डिटेक्ट कर सकता है, क्योंकि इसके लिए ध्यान से देखना, देखो VB और CB इन दोनों के बीच का, इसको अपन क्या बोलते हैं, वैलेंस बैंड, इसको अपन बोलते हैं कंडक्शन बैंड बोलते हैं। तो इसको अगर अपन ये वाली एनर्जी दे देंगे तो इस स्थिति में इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर ट्रांजिशन कर सकता है, जैसे यहाँ पर क्या बन सकता है, होल बन सकता है, और यहाँ पर क्या बन सकता है, इलेक्ट्रॉन बन सकता है। तो केवल जो D2 है वो इसको डिटेक्ट कर सकता है, सेकेंड आंसर विल बी करेक्ट। ओके चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर अपन क्या करें, क्वेश्चन नंबर 52 क्या करें। एनी एंड VD बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन ए सेमीकंडक्टर व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। बहुत क्लियर सी बात है कि अगर आप किसी भी सेमीकंडक्टर के अंदर टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो फिर उसके बाद में ड्यू टू थर्मल एक्साइटेशन ज़्यादा से ज़्यादा कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, और कोवेलेंट बॉन्ड्स के ब्रेक होने की वजह से आपका जो वैलेंस बैंड है इसके अंदर नंबर ऑफ होल्स बढ़ेंगे, और जो कंडक्शन बैंड है इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे। तो अपन बोल सकते हैं Ne और NH दोनों क्या होते हैं बताओ, बढ़ते हैं। बट अपन जानते हैं कि VD इक्वल टू कितना होता है बताओ, ईटो बाई एम इंटू क्या होता है, E होता है। टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे तो फिर उसके बाद में जो टो है वो डिक्रीज होगा, जिसकी VD है वो भी क्या हो जाएगा बताओ, डिक्रीज हो जाएगा। तो एनी इंक्रीजेज, VD डिक्रीजेज, फर्स्ट ऑप्शन अपना करेक्ट चला जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना, देखो इस प्रकार के क्वेश्चंस बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं नीट के अंदर, ठीक है ना। तो इफ ईच डायोड इन फिगर हैज ए फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस, अब ध्यान से देखना, देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि डायोड का जो फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस है 25 दे रखा है, एंड इनफाइनाइट इन रिवर्स बायस, व्हाट विल बी द वैल्यूज ऑफ करंट I1, I2, I3, I4। देखो ध्यान से, सबसे पहली बात है कि यहाँ पे करंट आएगी I1, इस करंट का कुछ पार्ट तो इसके अंदर चला जाएगा, यहाँ पर ये वाली जो करंट है वो तो कितनी हो जाएगी, 0, और कुछ पार्ट इसके अंदर चला जाएगा। इसका रेजिस्टेंस कितना देगा बताओ, 25, इसका रेजिस्टेंस कितना देगा, 25, 125 प्लस 25 150, 125 प्लस 25 150 हो गया, 150 150, ये 75 हो गया, 75 के 20 सीरीज में आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास है सर्किट का जो नेट रेजिस्टेंस है R नेट, तो R नेट इक्वल टू कितना देगा बताओ, इसको अपन बोल सकते हैं 75 प्लस 25, इसको अपन बोल सकते हैं 100 बोल सकते हैं। तो I इक्वल टू कितना देगा, V बाई R, V कितना देगा 5, और R कितना देगा आपके पास में 100, तो इसको अपन बोल सकते हैं 0.05 एम्पियर, ये तो आपके पास में टोटल करंट आ जाएगी। तो I1 तो कितना देगा, 0.05 आ गया। अब ध्यान से देखना, तो इस करंट का 50% पार्ट तो इसमें चला जाएगा, 50% पार्ट इसमें चला जाएगा, इसके अंदर तो 0 है। तो I2 कितना देगा, 0.025, I3 कितना देगा, 0, और I4 भी कितना देगा, 0.025 हो जाएगा। तो ध्यान से देखना, देखो 0.05 एम्पियर, 0.025 एम्पियर, और फिर उसके बाद में ये फिर चला जाएगा अपना आंसर, I3 0 है ना, तो ये वाला आंसर ठीक लग रहा है मेरे को, 0.05 0.025 A 0 A, और 0.025 A, यहाँ पे जो I3 है उसको 0 मानना आपको, और इन दोनों के अंदर आधी आधी करंट आपको यहाँ पे डिवाइड करनी है। ओके चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 क्या करें। देखो ध्यान से, द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन बी ए चार्ज, देखो कोई भी चार्ज जो कि कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है वो केवल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। पर ध्यान से देखना, देखो अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, एक्सेलरेटेड चार्ज हो गया, क्योंकि कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसके पास में एक एक्सेलरेशन होता है इधर की तरफ, इसको अपन बोलते हैं AC, ये आपके पास एक एक्सेलरेटेड मोशन हो गई, और एक्सेलरेटेड चार्ज है वो क्या करता है, EMW प्रोड्यूस करता है।
तो मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट, सेकेंड ऑप्शन आप यहाँ पे अपना करेक्ट चला जाएगा। ये क्या होता है बताओ, ए इक्वल टू ए सी होता है भी, अगर ये कॉन्स्टेंट स्पीड से भी चल रहा है तो भी, तो इसके पास एक्सलरेशन है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करता है। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर अपन क्या कर रहे हैं देखो ध्यान से। द मैग्नेटिक फील्ड इन ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाई, ये आपको मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या होता है के, ये अपने को के गिवन है, तो के इक्वल टू क्या होता है बताओ, 2π/λ, समझ गए। और यहाँ से आपके पास जो लेमडा है वो कितना बन जाएगा, 2π/k, तो 2π कितना देगा बताओ, 3.14, और k कितना दे रखा आपको बताओ, 500 बोल दो इसको आप, ठीक है ना, 500 आ गया, तो 500 आ गया, तो इसको चलो सोल्व करते हैं, तो क्या बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा 6.28। तो ध्यान से देखना, देखो 6.28 डिवाइडेड बाई 500, तो इसको अपन बोल सकते हैं 0.01256, ठीक है ना, तो 0.01256 ये आ गया अपने पास में, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ये मीटर में आ गया, तो मीटर में आ गया, तो फिर उसके बाद में 10^-1, 10^-2, तो इसको अपन बोल सकते हैं 1.256 इंटू 10^-2 मीटर हो गया, ठीक है ना, ये सेंटीमीटर के ऑर्डर का हो गया, और सेंटीमीटर में आपको पता है कौन होती है, ये होती है माइक्रोवेव जो होती है, तो इसका आंसर आ जाएगा माइक्रोवेव, थर्ड आंसर यहाँ पर आपका करेक्ट चला जाएगा, समझ गए। इसके बाद में देखो रेडियो वेव है, इसकी तो वेवलेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है, ये तो मीटर, 1 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, इस रेंज की होती है। इन्फ्रारेड आपको पता है कि रेड है, उसके बियॉन्ड होती है, और जो विजिबल है ये तो अपन जानती हैं 38 से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है। चलिए अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, देखो क्वेश्चन देखते पता चल जाता है ये अपने पास में एक फोटोडायोड का है ग्राफ, तो आपको पता है कि अगर इंटेंसिटी कम होगी तो करंट है वो भी क्या देगी, कम, इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो करंट है वो क्या देगी, बढ़ जाएगी। तो आपको पता है कि इंटेंसिटी I1 इससे बड़ा क्या देगा, I2, और इससे बड़ी इंटेंसिटी क्या देगी बताओ, I3, ठीक है ना, तो I1 से बड़ा I2, सबसे बड़ा I3, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर अपना करेक्ट चला जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है देखो ध्यान से, देखो ये भी NCERT का क्वेश्चन है। कार्बन एंड सिलिकन बोथ हैव सेम लैटिस स्ट्रक्चर हैविंग 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इन ईच, हाउएवर कार्बन इज इंसुलेटर वेयर एज सिलिकन इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, दिस इज बिकॉज, ध्यान से देखना, देखो जो कार्बन होता है इसको अपन सेमीकंडक्टर की तरह काम में नहीं ले सकते, सिलिकॉन और जर्मेनियम उसी को अपन काम में लेते हैं, क्यों, क्योंकि कार्बन है उसकी अगर अपन बात करेंगे कार्बन की, तो ध्यान से देखना, ये कार्बन हो गया, तो इसको अपन बोलते हैं 1H2, 2H2, इसके बाद 2P2 आ गया, यानी सेकेंड ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जबकि सिलिकॉन की बात करते हैं अपन, ये क्या बन जाएगा 1H2, इसको अपन लिख सकते हैं 1H2, 2H2, 2P6, 3H2, 3P2, तो इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में होते हैं, और इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सेकेंड ऑर्बिट में होते हैं, तो यहाँ पर ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के साथ में टाइटली बॉन्डेड होते हैं, और ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं न्यूक्लियस के साथ में लूजली बाउंडेड होते हैं, तो इस कारण से ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इजीली जो जर्मेनियम जो सिलिकॉन एटम है उससे दूर जा सकते हैं, ठीक है ना, यानी इन इलेक्ट्रॉन्स को अपन इजीली एक्साइट कर सकते हैं, या इस कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करना अपने लिए इजी होता है, जिससे यहाँ पे इजीली इलेक्ट्रॉन्स और होल्स अपन जनरेट कर सकते हैं, जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स हैं उनको जनरेट करने के लिए अपने को हाई एनर्जी देनी पड़ती है, समझ गए, तो सिलिकॉन एक अच्छा सेमीकंडक्टर हो जाएगा। तो द 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इन द केस ऑफ कार्बन इज इन सेकेंड ऑर्बिट, बिल्कुल ठीक है, वेर एज इन द केस ऑफ सिलिकॉन दे लाई इन द थर्ड, बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं क्या करें, देखो ये वाला क्वेश्चन भी NCERT का क्वेश्चन है, अगर आप NCERT पढ़ते हो तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्योर सिलिकॉन एट 500 केल्विन इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल कंसेंट्रेशन 1.5 × 10^16, तो यहाँ पर ये आपको क्या दे रखा है बताओ, ये आपको दे रखा है Ni दे रखा है, क्या दे रखा है Ni प्योर में। डोपिंग बाई इंडियम
आपको पता है कि इंडियम किस फैमिली का होता है? ये होता है बोरोन फैमिली का, और बोरोन फैमिली का मतलब ये क्या हो जाएगा बताओ, ट्राइवेलेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्राइवेलेंट। तो ये इसको क्या बनाएगा बताओ, पी टाइप का सेमीकंडक्टर बनाएगा। तो एन एच है वो तो कितना हो जाता है बताओ, ये हो जाता है, ये एन एच हो गया। तो एन एच तो अपने को गिवन है, एन एच इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4.5 × 10^22। और इसके बाद में अपने को एन ई कैलकुलेट करना है। तो एन ई, तो एन ई इक्वल टू क्या होता है बताओ, एन आई स्क्वायर अपॉन क्या होता है, एन एच होता है। तो एन आई स्क्वायर इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1.5, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2.25 × 10^32 अपॉन 4.5 × 10^2, इसको अपन बोल सकते हैं 22। तो ये क्या बन जाएगा, 2, तो 5 × 10^9 आ जाएगा, मीटर क्यूब इनवर्स आ जाएगा। और ये कौन सा सेमीकंडक्टर बन जाएगा बताओ, इसके अंदर एनएच ज्यादा है तो पी टाइप का सेमीकंडक्टर बन जाएगा, ठीक है ना। तो पी टाइप विद इलेक्ट्रॉन कंसेंट्रेशन एन इक्वल टू 5 × 10^9 पर मीटर क्यूब इनवर्स, पी टाइप हो गया, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट जा रहा है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 क्या कर रहा है, ध्यान से देखना। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, डोपिंग ऑफ प्योर जर्मेनियम विद ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी गिवन एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है ना। तो ट्राइवेलेंट है उसे तो पी टाइप का सेमीकंडक्टर बनता है, तो ये तो गलत हो गया। रेजिस्टिविटी ऑफ प्योर जर्मेनियम इंक्रीजेज विद टेम्परेचर, रेजिस्टिविटी नहीं कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है और कंडक्टिविटी है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है, समझ गए ना। क्योंकि अगर आप डोपिंग करोगे तो डोपिंग करने से इसके अंदर किसी एक टाइप के जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो रेपिडली इंक्रीज हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स या होल्स, तो रेजिस्टिविटी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज, कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स इन पी टाइप सेमीकंडक्टर आर होल्स, बिल्कुल ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे अपना करेक्ट आ जाएगा, आपको ट्रू स्टेटमेंट यहाँ पे फाइंड आउट करना था, थर्ड आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। देखो, ये कह रहा है कि एन टाइप जर्मेनियम इज नेगेटिवली चार्ज्ड, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आपको बताया कि मतलब चाहे पी टाइप का सेमीकंडक्टर हो भाई, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो चाहे एक्सट्रिंसिक हो, चाहे पी टाइप हो चाहे एन टाइप हो, कोई सा भी सेमीकंडक्टर क्यों ना हो वो कभी भी पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होता, वो हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ओके, तो बोथ एन टाइप एंड पी टाइप जर्मेनियम आर न्यूट्रल, ठीक है ना, दोनों न्यूट्रल होते हैं, अभी कोई पॉजिटिव नहीं होता कोई नेगेटिव नहीं होता। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 61 क्या कर रहा है, ध्यान से देखना। देखो, द एनर्जी गेव फॉर सिलिकॉन इज 1.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द मैक्सिमम वेवलेंथ एट विच सिलिकॉन विल बिगेन एब्जॉर्बिंग एनर्जीज, आपको एनर्जी दे रखा है, लेमडा आपको पूछ रखा है। तो लेमडा इक्वल टू क्या होता है आपको पता है, एच सी अपॉन ई, तो एच सी कितना देगा, 12,400 अपॉन ई, ई कितना देगा अभी 1.14, ठीक है ना, सोल्व कर दोगे तो 10,888 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट चला जाएगा। चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 62 देखिएगा क्या कर रहा है, द रिवर्स बाइसिंग इन ए पी एन जंक्शन डायोड, आपको पता है रिवर्स बाइसिंग में क्या होता है, डिक्रीज द पोटेंशियल बैरियर, इंक्रीज द पोटेंशियल बैरियर, ऑब्वियसली बात है, मतलब रिवर्स बाइसिंग, अगर अपन फॉरवर्ड बाइसिंग करते हैं तो पोटेंशियल बैरियर उसके हाइट है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है, और रिवर्स बाइसिंग पोटेंशियल बैरियर क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो इंक्रीज द पोटेंशियल बैरियर, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 क्या करे, देखो ध्यान से, इन द गिवन फिगर डी डायोड डी इज कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर इक्वल टू 100, ये 100 दे रखा आपने को, ईएमएफ ऑफ 3.5 वोल्ट, इफ द बैरियर पोटेंशियल डेवलप अक्रॉस द डायोड इज 0.5 वोल्ट, यानी 3.5 में से 0.5 तो इस पर ड्रॉप कर जाएगा। तो बात सुना, अभी 3.5 वोल्ट यहाँ से अपन लेके चले, 0.5 इसके पास में रह गया, तो इस पर कितना देगा बताओ, 3 आ जाएगा, कितना देगा, 3 वोल्ट आ गया। तो अगर आपको करंट फाइंड आउट करनी है तो आई इक्वल टू कितना देगा, वी, वी कितना देगा, 3 अपॉन कितना देगा बताओ, 100, ऊपर भी 0 नीचे भी 0, तो इसको अपन बोल सकते हैं 30 मिली एम्पियर, ठीक है ना। तो 30 मिली एम्पियर फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फिर अपन क्या करें, व्हेन ए पीएन जंक्शन डायोड रिवर्स बाइस्ड, उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया, रिवर्स बाइस कंडीशन में क्या होता है आपको पता है, मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स आर पुश्ड टुवर्ड्स द डिप्लेशन रीजन, माइनॉरिटी मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स आर पुश्ड अवे फ्रॉम द डिप्लेशन रीजन, बिल्कुल यही ठीक हो जाएगा,
रिवर्स बायस कंडीशन में, आपको पता है कि रिवर्स बायस कंडीशन में क्या होता है, इस प्रकार से ये तो आपकी पी साइड हो जाएगी, ये एन साइड हो जाएगी। इस प्रकार से पी को अपने बैटरी के माइनस से जोड़ते हैं, इसको अपने बैटरी के प्लस से जोड़ते हैं, ठीक है, माइनस प्लस हो गया। तो यहाँ पे इस प्रकार से इधर की तरफ अपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर दिया है। इसके अंदर क्या होते हैं, इस प्रकार से होल्स होते हैं और इसके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो होल्स होते हैं इन पे तो फोर्स लगता है इस प्रकार से इधर की तरफ, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन पे फोर्स लगता है इस प्रकार से इधर की तरफ लगता है। तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होते हैं दोनों पार्ट के, वो डिप्लेशन रीजन से दूर की तरफ भगाए जाते हैं, पुश किए जाते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फिर अपन क्या कर रहे हैं। द गिवन ग्राफ रिप्रेजेंट्स वी ए करेक्टरिस्टिक फॉर ए सेमीकंडक्टर डिवाइस। देखो ध्यान से, ये वाला ग्राफ आपको दिख रहा है, ठीक है, बहुत ही आसान सा ग्राफ है, एनसीईआरटी का ग्राफ है। और अपन जानते ही हैं यहाँ पे जो वोल्टेज है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो इस एक को अपन क्या बोल सकते हैं बताओ, इसको अपन बोलते हैं वीओसी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, वीओसी, ओपन सर्किट वोल्टेज हो जाएगा ये। तो एक को अपन बोल सकते हैं वीओसी, ओपन सर्किट वोल्टेज हो जाएगा। और बी यहाँ पे जो करंट है वो क्या होता है, मैक्सिमम वोल्टेज जीरो हो गया, तो इसको अपन बोलते हैं आईएससी, शॉर्ट सर्किट करंट हो जाएगी, ठीक है ना। तो अपन बोल सकते हैं इट इज़ फॉर ए फोटोडायोड, नो, इट इज़ फॉर ए एलईडी, नो, वीआई करेक्टरिस्टिक फॉर ए सोलर सेल, बिल्कुल सोलर सेल का ग्राफ है ये, वेयर पॉइंट ए रिप्रेजेंट्स ओपन सर्किट वोल्टेज एंड पॉइंट बी शॉर्ट सर्किट करंट, बिल्कुल ठीक है, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे अपना करेक्ट चला जाएगा, ये सोलर सेल का ग्राफ है भाई। चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 66 अपन देखते हैं क्या कर रहा है। देखो जेनर डायोड आ चुका है, जेनर डायोड हैविंग ब्रेकडाउन वोल्टेज इक्वल टू 15 वोल्ट, 15 वोल्ट आपको दे रखा है, तो सीधी सी बात है कि इसके ऊपर भी कितना वोल्टेज आ जाएगा बताओ, 15 वोल्ट, ठीक है। इट इज यूज्ड ए वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट शोन फिगर, द करंट थ्रू द डायोड इज, देखो यहाँ का जो वोल्टेज है वो कितना दे रखा है आपको बताओ, 20 वोल्ट दे रखा है। अब 20 में से इस पर कितना ड्रॉप कर गया बताओ, 15, तो इस पर कितना ड्रॉप करेगा बताओ, 5, कितना 5 वोल्ट, ठीक है ना, 5 वोल्ट इस पर ड्रॉप करेगा। तो करंट थ्रू द डायोड, डायोड से आपको करंट फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले यहाँ से आपको मेन करंट फाइंड आउट करनी है IR, तो बताओ IR इक्वल टू कितना देगा, V बाई R, तो V कितना देगा 5, अपन R कितना देगा आपके पास है 250, तो ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको अपन क्या बोल देंगे, 20 मिली एम्पियर करंट आ गए। इसके अंदर आपको करंट फाइंड आउट करनी है, तो ये वाली करंट क्या देगी, आई लोड, लोड पे करंट कितनी हो जाएगी बताओ, वी बाई आर, तो कितना देगा, 15 मिली एम्पियर करंट आ जाएगी। अब 20 आ रही थी, इसके अंदर चलेगी 15, तो इसके अंदर कितना देगी बताओ, 5 मिली एम्पियर करंट आ जाएगी इसके अंदर, सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो सिंपल जो सर्किट प्रॉब्लम्स होती है वो अपन सोल्व कर सकते हैं, जो सिंपल सर्किट रूल्स होते हैं, जो कंसेप्ट होते हैं, उनकी हेल्प से अपन इस प्रकार के जेनर डायोड के क्वेश्चंस को भी इजीली सोल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से देखना। देखो ये भी फिर से अपने पास एक डायोड का क्वेश्चन है। ए जंक्शन डायोड हैज रेजिस्टेंस ऑफ 25 व्हेन फॉरवर्ड बायस एंड 2500 व्हेन रिवर्स बायस, द करंट इन द डायोड फॉर द अरेंजमेंट शोन। देखो ध्यान से, यहाँ पे 5 ये 0, तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया, और फॉरवर्ड बायस कंडीशन रेजिस्टेंस कितना देगा बताओ, 25 हो गया, ये 10 है, ये 25 है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना देगा बताओ, 35, तो I इक्वल टू क्या देगा, V बाई R, तो V कितना देगा, 5 माइनस 0 अपॉन R कितना देगा आपके पास है, 35, तो 5/35 ये कितना देगा आपके पास में, 1/7 एम्पियर, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे अपना करेक्ट चला देगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 हो गया ना, 67 हो गया, चलो 68 अपन देखते हैं। 68 क्या करें, ध्यान से देखना। देखो इफ द वोल्टेज बिटवीन द टर्मिनल्स ए एंड बी इज 17, तो यहाँ से यहाँ का वोल्टेज कितना देगा बताओ, 17 वोल्ट हो गया। ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना देगा, 9 वोल्ट हो जाएगा, इसका कितना देगा, 9 वोल्ट, इसका भी कितना देगा आपके पास है, 9 वोल्ट, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का 9 वोल्ट हो गया, तो इस पर कितना वोल्ट ड्रॉप कर जाएगा बताओ, 8 वोल्ट, ठीक है ना। तो आर पर आपको वोल्टेज पूछा जा रहा है 8 वोल्ट, सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। देखो डायग्राम और देखने से बिल्कुल एकदम फुल वेव रेक्टिफायर लग रहा है, और फुल वेव रेक्टिफायर को किस प्रकार से अपन पहचानते हैं, इस बात को अपन इस प्रकार से पहचानते हैं कि ध्यान से देखना। देखो आमने सामने के जो डायोड्स होते हैं उनका फेस एक तरफ होना चाहिए। देखो इसका भी पी इधर की तरफ है, इसका भी पी नीचे की तरफ है। आमने सामने के जो डायोड्स हैं उनका फेस एक तरफ होना चाहिए। देखो ध्यान से,
इसका भी पी नीचे की तरफ है और इसका भी पी नीचे की तरफ है। अब यहां पर ये फुल वेव रेक्टिफायर तो बन चुका है। अब यहां पर आपको बोला जा रहा है कि ए और सी के बीच में आपने क्या कर दिया, इनपुट दे दिया। तो ए और सी के बीच में इस प्रकार से आपने क्या कर दिया, इनपुट दे दिया। तो बी और डी के बीच में आपको क्या मिल जाएगा, इस प्रकार से आउटपुट मिल जाएगा। यहां पर आप आउटपुट है उसको ऑब्टेन कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आपका एक फुल वेव रेक्टिफायर बन जाएगा, थर्ड ऑप्शन यहां पे अपना करेक्ट चला जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 पे अपन पहुंच चुके हैं। क्या कर रहा है, ए डायोड हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 0.5 वोल्ट अक्रॉस इट्स जंक्शन विच डज नॉट डिपेंड ऑन करंट। बिल्कुल ठीक बात है, पोटेंशियल डिफरेंस है वो 0.5 वोल्ट है जो कि करंट पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। जंक्शन विच डज नॉट डिपेंड ऑन करंट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद रेजिस्टेंस 220 ओम अक्रॉस सोर्स। इफ 0.1 एम्पियर पासेस थ्रू रेजिस्टेंस देन व्हाट इज द वोल्टेज ऑफ सोर्स। मान लो सोर्स का वोल्टेज कितना है V, डायोड पे कितना ड्रॉप कर गया 0.5, नेट वोल्टेज अपन नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बताओ, 20 हो गया, ठीक है ना। तो इसको अपन बोल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस करंट कनेक्टेड इन सीरीज विद रेजिस्टेंस 20 ओम, ठीक है ना। 20 ओम आपके पास रेजिस्टेंस हो गया, डायोड का रेजिस्टेंस अपन कंसिडर नहीं कर रहे हैं। और आई कोस्ट कितना हो जाएगा आपके पास, 0.1 हो जाएगा, तो ये 2 आ गया, 2.5, तो वोल्टेज कितना हो जाएगा 2.5, थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 क्या कर रहा है, देखिए सिंपल डायोड की प्रॉब्लम्स है। क्या कर रहा है देखो, ये अज्यूमिंग द डायोड्स टू बी सिलिकॉन ऑफ सिलिकॉन विद फॉरवर्ड रेजिस्टेंस 0 द करंट आई इन द फॉलोइंग सर्किट इज। ध्यान से देखना, देखो यहां पे कितना देगा आपके पास है 0 वोल्ट, यहां पर भी कितना देगा 0 वोल्ट। अब ध्यान से देखना, देखो यहाँ पे 0 बैटरी लगी तो यहाँ का वोल्टेज कितना हो जाएगा बताओ, 20 वोल्ट हो गया। अब देखो ध्यान से, 20 वोल्ट में से इस सिलिकॉन डायोड पे इस पे कितना वोल्टेज, भाई इस पे तो ये तो रिवर्स में आ गया, इस पे कितना वोल्टेज ड्रॉप करेगा बताओ, इस पे वोल्टेज ड्रॉप कर गया 0.7 वोल्ट, तो इस पे भी 0.7 ही हो जाएगा, ठीक है ना। ये चीज़ है भाई, 0.7 इस पे ड्रॉप कर गया, 0.7 हो गया, तो इस पे कितना हो जाएगा बताओ, 0.7 वोल्ट यहाँ का आ जाएगा। तो 20 0.7 तो कितना देगा आपके पास बताओ, 19.3 वोल्ट अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितना देगा 2 किलो ओम, तो 2 × 10³। तो यहाँ से आपके पास I इक्वल टू कितना देगा बताओ, 9.65 मिली एम्पियर, ठीक है ना। तो 9.65 मिली एम्पियर सेकेंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, द सर्किट हैज टू अपोजिटली कनेक्टेड आइडियल डायोड्स इन पैरेलल, व्हाट इज द करंट फ्लोइंग द सर्किट। ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ये वाला जो डायोड है वो तो क्या हो जाएगा, फोर्ड बाइस में हो जाएगा, इसमें तो करंट आएगी। ये वाला क्या हो जाएगा, रिवर्स बाइस में हो जाएगा, इसके अंदर करंट है वो क्या हो जाएगी बताओ, 0। यहाँ से अपन चले, ये 4 + 3 ये कितना हो जाएगा 7। तो I इक्वल टू क्या होता है, V बाई R, V कितना देगा 12, 4 प्लस 3 क्या देगा 7। इसको अपन सॉल्व कर देंगे तो ये अपने पास आएगा 1.71 एम्पियर, तो 1.71 एम्पियर आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं अपन क्या कर रहे हैं। देखो द रीडिंग ऑफ द एमिटर फॉर ए सिलिकॉन डायोड इन द, देखो सिलिकॉन डायोड आपको दे रखा है तो इस पे आपको 0.7 वोल्ट का ड्रॉप करवाना है। तो 3 में से 0.7 चला गया, तो I इक्वल टू क्या देगा, 3 माइनस कितना देगा 0.7 अपॉन कितना देगा आपके पास 200, तो इसको अपन बोल सकते हैं 2.3 अपॉन कितना देगा 200, ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना देगा बताओ, 11.5 मिली एम्पियर, ठीक है ना। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 क्या करे, ध्यान में रखना आपको कि आपके पास है जो कॉमन इमिटर सर्किट है इसके अंदर इनपुट और आउटपुट दोनों एक दूसरे के अपोजिट फेज में होते हैं, दोनों के बीच में वाई का फेज डिफरेंस होता है, तो आंसर हो जाएगा इसका 180, ठीक है ना, थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। 75 पे चलते हैं। चलो क्या करें, ये करें कि एनपीएन ट्रांजिस्टर कंडक्ट्स व्हेन, देखो एनपीएन ट्रांजिस्टर की अपन बात करते हैं, ये आपके पास में इस प्रकार से एक एनपीएन ट्रांजिस्टर हो गया, ठीक है ना, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर का सर्किट बन करके तैयार हो रहा है। देखो इसको अपन क्या बोलते हैं बताओ, एन पी
ये एन हो गया, इसके बाद में ये ईमिटर हो गया, ये बेस हो गया, ये आपका कलेक्टर हो गया। इसके बाद में देखो ध्यान से, आपको पता है कि जो ई बी जंक्शन होता है इसको अपन फोर्ड बाइस में रखते हैं, तो फोर्ड बाइस में रखते हैं तो इसको अपन किससे जोड़ देंगे बताओ, प्लस से, और इसको अपन जोड़ देते हैं इस प्रकार से माइनस से जोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, और इसको कलेक्टर को अपन क्या करते हैं बताओ, इसको रिवर्स बाइस में रखते हैं, तो ये एन हो गया, तो इसको अपन प्लस और इसको अपन माइनस में रखते हैं, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये सिंपल सर्किट है अभी। अब यहाँ पे बेस के रेस्पेक्ट में जो इमीटर है इसको अपन रखते हैं किस पे, लो मतलब नेगेटिव रखते हैं, तो और जो कलेक्टर इसको अपन क्या रखते हैं पॉजिटिव, तो कलेक्टर इज पॉजिटिव एंड इमीटर इज नेगेटिव विद रेस्पेक्ट टू बेस, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे अपना करेक्ट जा रहा है। कलेक्टर देखो पॉजिटिव है बिल्कुल, और इमीटर वो क्या है नेगेटिव है, एनपीएन ट्रांजिस्टर यहाँ पे बात कर रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 76 क्या करे, इन ए कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर द ऑडियो सिग्नल वोल्टेज अक्रॉस द कलेक्टर रेजिस्टेंस ऑफ 2 किलो ओम इज 2 वोल्ट, ठीक है ना। बेस रेजिस्टेंस इज 1 किलो ओम एंड द करंट एम्पलीफिकेशन ऑफ द ट्रांजिस्टर इज 100 द इनपुट सिग्नल वोल्टेज इज, देखो ध्यान से, कॉमन इमीटर है, ऑडियो सिग्नल वोल्टेज अक्रॉस द कलेक्टर रेजिस्टेंस, यहाँ पर यह आपको दे रखा आर सी और यह आपको दे रखा वी सी, तो चलो यहाँ से अपन आई सी कैलकुलेट कर लेते हैं। आई सी इक्वल टू क्या देगा बताओ, वी सी अपॉन आर सी, तो वी सी कितना देगा 2, आर सी कितना देगा आपके पास 2 किलो, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं बताओ, 1 मिली एम्पियर। अब सुनो भैया, अपने को यहाँ पे बीटा दे रखा है, तो बीटा इक्वल टू क्या होता है बताओ, आई सी अपॉन आई बी, तो यहाँ से चलो आई बी कैलकुलेट कर लेते हैं, आई बी, तो आई बी इक्वल टू क्या देगा, आई सी अपॉन बीटा, आई सी कितना देगा 1 मिली एम्पियर, तो इसको अपन बोल सकते हैं 1 मिली एम्पियर अपॉन क्या देगा बीटा, देर का आपको 100 देर का है। और आपको क्या करना है अभी, द इनपुट सिग्नल, तो इनपुट सिग्नल यानी आपको वी बी कैलकुलेट करना है, तो वी बी इक्वल टू क्या देगा बताओ, आई बी आर बी, तो आई बी अपन ने कैलकुलेट कर ही दिया 1/100 मिली एम्पियर इंटू आर बी, आर बी कितना देगा आपके पास 1 किलो ओम, तो 1 किलो मतलब कितना देगा 10^3, तो 10^-3 मिली का, और ये कैंसिल आउट देगा, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं भाई, 1/100 आ गया, और 1/100 कितना होता है 0.01 वोल्ट, ठीक है ना, 0.01 वोल्ट, तो 0.01 वोल्ट इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 10 मिली वोल्ट, 10 मिली वोल्ट हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन यहां पे अपना करेक्ट चला जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि इन एनपीएन ट्रांजिस्टर, ये कह रहा है कि इन एनपीएन ट्रांजिस्टर सर्किट द कलेक्टर करंट इज 10 मिली एम्पियर, तो यहां पर आपको आई सी इक्वल टू दे रखा है कितना 10 मिली एम्पियर, इफ 90% ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड बाई इमिटर रीच द कलेक्टर, इसका मतलब जो आई सी है ना ये 90% यानी 0.9 टाइम्स ऑफ आई ई इमिटर करंट, तो क्या यहाँ से अपन इमिटर करंट कैलकुलेट कर सकते हैं, तो कितना देगा 10 मिली एम्पियर डिवाइडेड बाई 0.9 को अपन क्या लिख सकते हैं बताओ 9/10, तो 100/9 हो गया, तो 100/9 लगभग कितना देगा आपके पास 11 मिली एम्पियर हो जाएगा। और आपको पता है कि आई बी इक्वल टू क्या होता है, इसको अपन बोल सकते हैं आई ई माइनस क्या देगा आपके पास आई सी, 11 मिली एम्पियर माइनस कितना देगा आपके पास 1 मिली एम्पियर इक्वल टू 10 मिली एम्पियर, सॉरी ये 9 आ गया, 9 मिली एम्पियर, सॉरी ये 10 मिली एम्पियर है, आई सी कितना देगा आपके पास 10 मिली एम्पियर है, और इसको अगर अपन सोल्व कर देंगे तो ये अपने को कितना प्राप्त हो जाएगा, इलेवन मिली एम्पियर माइनस कितना देगा 10 मिली एम्पियर, तो ये अपने पास आ जाएगा 1 मिली एम्पियर आ जाएगा, ये आई बी आ गया, तो आई ई कितना देगा 11 मिली एम्पियर, और आई बी कितना देगा आपके पास 1 मिली एम्पियर, और आई सी कितना देगा 10, ये आपको गिवन है ही, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट चला देगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, देखो क्या कह रहा है, इनपुट सिग्नल आपको दे रखा है, तो इनपुट सिग्नल की पीक वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ 2,
और अपन जानते हैं कि एडवांटेज ऑफ वोल्टेज इक्वल्स टू क्या होता है, वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट इक्वल्स टू कितना दे रखा आपको, 150 दे रखा है। तो यहां से आपके पास में वी आउटपुट, तो वी आउटपुट इक्वल्स टू क्या देगा आपके पास में, वी आउटपुट इक्वल्स टू 150 इंटू क्या देगा आपके पास में, वी इनपुट। तो 150 इंटू वी इनपुट कितना देगा, 2 दे रखा आपको, तो इसको अपन क्या बोल देंगे, 300 बोल देंगे। अब ध्यान से देखना, देखो वी आउटपुट आपको कैलकुलेट करना है, पीक वैल्यू कितने देगी इसकी, 300। इसके बाद में कॉस दे रखा है और इसको अपन बोलेंगे 15t और प्लस क्या देगा आपके पास, वो 5π/6। और आपको पता है कि कॉमन इमिटर है, इसके लिए इनपुट और आउटपुट दोनों के बीच में पाई का फेज डिफरेंस भी होता है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, प्लस से पाई लिख देंगे। तो क्या बन जाएगा आपके पास में, इक्वल्स टू 300 कॉस 15t। अब बात सुना, अभी 5π/6 प्लस पाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 11π/6। 11π/6 को अपन लिख सकते हैं 2π-π/6 लिख सकते हैं। 2π का मतलब 1 कंप्लीट राउंड हो गया, तो 2π को आप यहाँ पे छोड़ सकते हो, -π/6 आ जाएगा, माइनस का π/6। तो 300 cos 15t -π/6 फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट चला जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से देखना। देखो, इन CE configuration of NPN transistor, 108 electrons enter the emitter in 10⁻⁸ seconds. If 1% electrons are lost in the base, the fraction of current that enters the collector and current amplification factor are respectively. देखो मेरी बात सुनो भाई, ऐसा है कि यहाँ पे जो IC है ये कितना देगा आपके पास है, 0.99 टाइम्स ऑफ क्या देगा आपके पास में, IE। और जो बेस करंट है वो क्या देगा आपके पास है, 0.01 टाइम्स ऑफ है IE हो जाएगा, क्योंकि केवल 1% जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किसके अंदर लॉस्ट कर जाते हैं, बेस रीजन में। तो 99% है वो कलेक्टर रीजन में एंटर कर जाते हैं। तो कितना फ्रैक्शन हो जाएगा बताओ, 0.99 फ्रैक्शन। मतलब आपको क्या पूछा जा रहा है, कलेक्टर करंट आपको पूछा जा रहा है, IC अपॉन क्या देगा, IE। आपको पूछा जा रहा है IC अपॉन क्या देगा बताओ, IE। इसको आप लिख सकते हैं 0.99 हो देगा। और आपको बीटा पूछा जा रहा है, बीटा, तो बीटा इक्वल टू क्या देगा, IC अपॉन क्या देगा, IB। ठीक है ना, तो IC अपॉन IB, तो IC कितना देगा बताओ, 0.99 और IB कितना देगा आपके पास, 0.01। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 99 लिख सकते हैं, 0.99 and 99। ठीक है ना, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट चला देगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 पर अपन पहुँच चुके हैं। इन द कॉमन बेस मोड ऑफ ए ट्रांजिस्टर, व्हेन द कलेक्टर वोल्टेज इज चेंज्ड बाय 0.5 वोल्ट, द कलेक्टर करंट चेंजेस बाय 0.05 mA। ठीक है ना, देखो कॉमन बेस की अगर अपन बात करते हैं तो ये कॉमन बेस इस प्रकार से होता है। देखो कॉमन बेस का डायग्राम बना देता हूँ मैं, ये कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा इस प्रकार से यू। ठीक है, यहाँ पर ये इसको अपन क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद में क्या बोलते हैं, ये आपके पास इमिटर हो जाएगा, इसको अपन बोलते हैं कलेक्टर बोलते हैं। तो ये आपके पास आउटपुट हो गया, तो आउटपुट रेजिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है। तो आउटपुट रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या देगा आपके पास है, डेल्टा वी अपॉन क्या देगा, डेल्टा आई। ये कलेक्टर, ये कलेक्टर। तो वोल्टेज को आप किससे चेंज करते हो बताओ, 0.5 से, और करंट को आप किससे चेंज करोगे बताओ, 0.05। ठीक है ना, इससे आप चेंज करोगे, ये मिली है तो मिली ऊपर जा करके क्या बन जाएगा, अभी किलो बन जाएगा। ठीक है, और इसको अगर अपन इससे सोल्व करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 10। तो 10 किलो ओम इज द रेजिस्टेंस, फर्स्ट आंसर विल बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। देखो ये डायोड का है, सॉरी लॉजिक गेट है। तो लॉजिक गेट अपन देख सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ नैंड गेट्स शोन इन द फिगर आर इक्विवेलेंट टू, नैंड गेट आपको दे रखे। देखो यहाँ पर ये ए है, तो आपको पता है कि ये क्या बन जाएगा बताओ, ए बार। ये बी है तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बताओ, बी बार। तो यहाँ पर जो सी है इसको अपन क्या बोल सकते हैं, ए बार, ये बी बार, ये डॉट,
ये बार इक्वल टू, इसको अपन लिख सकते हैं ए बार बार, बी को भी लिख सकते हैं बी बार बार, डॉट का क्या बन जाएगा प्लस, तो इसको अपन बोल सकते हैं ए प्लस बी। ये कौन सा गेट हो जाएगा बताओ, और गेट ए बी, इसको अपन क्या बोल सकते हैं यहाँ पे ए डॉट बी बार, ठीक है ना। और फिर उसके बाद इसको अपन क्या बोलेंगे ए डॉट बी बार, ये एक बार और लगा देगा क्योंकि ये नॉट गेट की तरह ट्रीट करता है, तो ये आपके पास बन जाएगा ए डॉट बी। तो पहला हो जाएगा और गेट, और फिर हो जाएगा आपके पास में ये कौन सा हो जाएगा, और गेट हो गया, और इसको अपन बोल देंगे एंड गेट, और गेट एंड गेट, फर्स्ट आंसर विल बी करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 पे आ चुके हैं अपन। देखो क्या करे, देखो बच्चों यहाँ पे कह रहा है कि टू गेट एन आउटपुट वन, यहाँ पे आपको आउटपुट कितना चाहिए, वन चाहिए, समझ गए। तो बात लिख देते हैं ये ए बी, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी, ये सी आ गया यहाँ पे सी, तो यहाँ से आपके पास वाई इक्वल टू क्या देगा ए प्लस बी, और इसके बाद में डॉट क्या देगा बताओ सी। अब ध्यान से देखना, देखो यहाँ पर जो सी है सी मस्ट बी वन, सी वन होना चाहिए। अब ए और बी कुछ भी हो जाए, सी अगर जीरो हो गया तो वाई आपका जीरो हो जाएगा, वाई को वन लाने के लिए सी आपका वन होना चाहिए, और सी वन केवल ए की जगह पे, थर्ड आंसर यहाँ पे अपना करेक्ट चला जाएगा। तो वन प्लस जीरो वन, वन डॉट वन वन, तो आंसर विल बी वन, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट चला जाएगा। चलिए 83 पे चलते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। विच लॉजिक गेट इज रिप्रेजेंटेड बाई द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट्स, देखो ये ए है तो इसको अपन क्या बोल देंगे बताओ ए बार, ये बी है ये बी बार हो गया, इसके बाद इसको अपन बोल सकते हैं ए बार, इसको अपन बोल सकते हैं बी बार, ये प्लस हो गया, ये बार लग जाएगा क्योंकि ये कौन सा गेट है, नॉर गेट है, ये नॉर गेट हो गया, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं ए बार बी बार, बार बार ब्रेक कर दिया, प्लस का डॉट बना दिया, तो ये बन जाएगा आपके पास ए डॉट बी, और कौन सा गेट हो जाएगा बताओ एंड गेट, थर्ड आंसर विल बी करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फिर अपन, क्या कर रहे हैं देखो, आइडेंटिफाई द ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय द सर्किट गिवन बिलो, ये ए है ये क्या हो जाएगा नॉट गेट, तो इसको अपन बोलेंगे ए बार, बी ये भी नॉट गेट हो जाएगा, ये भी क्या देगा बी बार हो जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास वाई इक्वल टू ये क्या देगा ए बार, ये क्या देगा बी बार, इसके बाद में इसको अपन क्या लिख देंगे प्लस लिख देंगे, और बार, और इसको अपन जानते ही हैं ए बार बार डॉट बी बार बार, तो इसको अपन बोल सकते हैं ए डॉट बी, और ये कौन सा गेट हो जाएगा एंड गेट, सेकेंड आंसर यहाँ पे अपना करेक्ट चला देगा। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं क्या कर रहे हैं, देखो देखो सिंपली ऐसे समझ सकते हैं ये अपने पास क्या नॉर गेट है, इसके दोनों टर्मिनल्स को आपने जोड़ दिया, तो ये भी नॉट हो गया ये भी नॉट हो गया, तो ये दोनों नॉट है, उल्टा करेंगे इन्वर्ट करेंगे तो दोनों नॉट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये नॉर गेट इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। वैसे सॉल्व भी कर सकते हैं बूलियन अलजेब्रा से इसको, फर्स्ट आंसर आपका यहाँ पे करेक्ट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 अपन देखते हैं क्या करें, द फॉलोइंग लॉजिक सर्किट रिप्रेजेंट्स, क्या है बताओ ए बी, तो यहाँ पर आपके पास में क्या बन जाएगा एक्स वाई हो गया, तो ए इक्वल टू क्या बन जाएगा ए को अपन लिख सकते हैं एक्स प्लस क्या देगा आपके पास वाई आ गया, ठीक है ना, एक्स प्लस वाई आ गया, प्लस कर देगा ये और गेट है, और ये क्या बन जाएगा इस प्रकार से यू हो गया, तो ये क्या बन जाएगा नॉर गेट बन जाएगा, क्या बन जाएगा नॉर, भाई और हो गया और नॉट हो गया, तो नॉट और का कॉम्बिनेशन क्या होता है नॉर होता है, नॉर गेट विद आउटपुट ये लो, सेकेंड आंसर अपना करेक्ट चला देगा। क्वेश्चन नंबर 87 पे पहुंच चुके हैं क्या कर रहे हैं, देखो इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट माइक्रोवेव रेडिएशंस, माइक्रोवेव दीज कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाई बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है वो क्या होती है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है, इस कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का इन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये सही है। देयर फ्रीक्वेंसी इज लेस देन विजिबल लाइट, चलो देखते हैं अपन बात करते हैं कि रेडियो माइक्रो इसके बाद इंफ्रा, ठीक है ना, विजिबल अल्ट्रावायलेट एक्सरे गामा कॉस्मिक, इधर से इधर की तरफ जाते हैं तो इधर से इधर की तरफ जाने पे लेमडा वो क्या होता है इंक्रीज होता है और फ्रीक्वेंसी वो क्या होती है डिक्रीज होती है, ठीक है ना। तो बात करें अपन माइक्रो की, बात करें माइक्रो ये विजिबल हो गया,
तो विजिबल से माइक्रो की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कम होती है, देयर फ्रीक्वेंसी लेस देन विजिबल लाइट, ये वाला भी सही हो गया। दे कैन बी प्रोड्यूस्ड बाई ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स ऑफ हाई एटोमिक नंबर, ये तो एक्सरे होती है, एक्सरे का प्रोडक्शन करते हैं ऐसे तो अपन, तो ये माइक्रोवेव का प्रोडक्शन अपन नहीं कर सकते, ये अपना रॉन्ग हो गया। दीज आर यूज इन रडार फॉर शिप्स एंड एयरक्राफ्ट, यस ये भी अपना सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 क्या कर रहा है, ध्यान से देखना। देखो करंट इन द सर्किट विल बी इफ ऑल डायोड्स आर आइडियल, तो सारे के सारे डायोड आइडियल है, तो ये वाला डायोड तो क्या होता है रिवर्स बायस में, इसमें कोई करंट जाएगी नहीं, करंट इस प्रकार से यूं होते हुए इधर से आ जाएगी, तो 20 ये वाला और 30 ये वाला, 20 प्लस 30 कितना देगा 50, तो I इक्वल टू वोल्टेज कितना देगा 5 अपॉन रेजिस्टेंस कितना देगा आपके पास में 50, 5 अपॉन 50, सेकेंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 89, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पे अपन पहुंच चुके हैं। फॉर द सर्किट्स ऑन बिलो द करंट थ्रू द जेनर डायोड, इस प्रकार के क्वेश्चन अपन ने कर भी रखा है पहले भी, 120 हो गया, इस पे 50, तो इस पे भी कितना देगा बताओ 50, तो 50 अपॉन 10 5, इसके अंदर करंट कितने देगी बताओ 5 मिली एम्पियर आ जाएगी, और इसके बाद इस पे कितना देगा बताओ 70 वोल्ट आ गया, 50 इस पे 120 में से तो 70 वोल्ट आ गया ना, तो फिर उसके बाद भी इसके अंदर करंट कितनी चली जाएगी बताओ 70 अपॉन 5, तो ये बन जाएगा आपके पास है 14 मिली एम्पियर, तो 14 में से 5 इसमें चली गई, तो इसमें कितनी चली जाएगी बताओ 9 मिली एम्पियर, फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 90 क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्वेश्चन है। इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ERMS, ये आपको दे रखा है, सी इक्वल टू क्या होता है आपके पास ई अपॉन बी, तो ERMS अपॉन क्या देगा आपके पास है BRMS, तो यहाँ से आपके पास है BRMS आपको कैलकुलेट करना है, BRMS इक्वल टू ERMS अपॉन सी, 6 अपॉन सी कितना देगा 3 इंटू 10 टू द पावर 8 आ गया, तो 6 बाई 3 कितना देगा 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 आ गया, और BRMS इक्वल टू कितना होता है आपके पास है बी नॉट अपॉन रूट 2, तो यहाँ से आपके पास है बी नॉट इक्व टू रूट 2 यानी 1.414 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 इंटू 2 भी तो है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं 2.83 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 टेस्ला, तो 2.83 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 टेस्ला, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे अपना करेक्ट आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो कुल मिलाकर के 90 क्वेश्चंस का अपन यहाँ पे वीडियो सॉल्यूशन किया है, जिसमें लगभग 41 क्वेश्चंस वेव ऑप्टिक्स से थे और बाकी क्वेश्चन सेमीकंडक्टर से थे। ठीक है ना, तो निश्चित रूप से आपका पेपर बहुत शानदार होगा और आपने वीडियो सॉल्यूशन को काफ़ी इन्जॉय किया होगा और आपको एक अच्छा रिवीजन पैकेज इसके माध्यम से मैंने देने की कोशिश की, निश्चित रूप से आपने काफ़ी बेनिफिट इसका उठाया होगा। तो जुड़े रहिएगा CLC के साथ में, CLC की यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं फिर कभी।